Well, so friends, we are starting our question and discussion. Some important features of this questionnaires, which first I will explain. Pehli baat to, aapko pata hai ki GST 2017 se aaya, July 2017 se, jiska pehla exam November 2017 mein 10 marks ke liye hua tha, aur now 2018, और अब 2019 में ओके जो मई जून एग्ज़ाम होगा, तो लास्ट कुछ एग्जामिनेशन पेपर्स हमारे पास अवेलेबल है ऑफ ओल्ड सिलेबस एज वेल एज न्यू सिलेबस एंड आरटीपी. इससे ज़्यादा हमारे पास इस क्वेश्चन बैंक्स अवेलेबल नहीं है जो आईसीएआई की है. और जैसा आप जानते हो कि आईसीएआई ने कोई अभी प्रैक्टिस मैनुअल भी नहीं दिया है, तो ये था रिगार्डिंग टू कि भाई क्वेश्चन बैंक. पर सबसे पहले एक सवाल आपका कि सर ये क्वेश्चनर डिस्कशन जो हो रहा है ओके, तो ये क्वेश्चंस क्या वो क्वेश्चंस है जो आपने ऑलरेडी स्टडी मटेरियल में कवर किए हैं जो आप रेगुलर क्लास में लेते हो बेटा? नहीं, ये कम्प्लीटली डिफरेंट क्वेश्चंस है फॉर एडिशनल प्रैक्टिस. क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है कि सर जैसे डिस्कशन तो हो गया, हम सब्जेक्ट तो समझ लिए, आपने रिवाइज भी कर लिया, लेकिन अभी भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे और उसका आंसर्स कैसे लिखना चाहिए. तो उसके लिए ये क्वेश्चनर्स बनाया. ये क्वेश्चनर्स के बारे में अगर मैं ये कह दूं बेटा, तो ये क्वेश्चनर्स का सोर्स मटेरियल क्या है ओके, सबसे पहले मैं ये कह दूं कि मोर देन यहाँ पे 1000 क्वेश्चंस जीएसटी में मैंने कवर की है. इतना बड़ा क्वेश्चन बैंक आपको कहीं पे भी अवेलेबल नहीं होगा. और ये क्वेश्चनर्स जो मैंने बनाए, मुझे याद है मैंने पहली बार लॉन्च किया था जनवरी 2018 में, फर्स्ट टाइम इतना बड़ा क्वेश्चन बैंक ओके फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू मैंने पहली बार स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल करवा के दिया था. एंड देन ग्रेजुअली इसमें एडिशन होते गया, कुछ क्वेश्चंस अपडेट होते गए, अमेंडमेंट के हिसाब से अपडेट होते गए, एग्जाम के क्वेश्चंस ऐड होते गए, आरटीपी के क्वेश्चंस ऐड होते गए, मॉक टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस ऐड होते गए ओके, सीएमए सीएस सब के क्वेश्चंस मैंने इसमें कवर किए हैं. तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि आज अगर ये क्वेश्चन बैंक देखा जाए तो आपको ये क्वेश्चंस बैंक में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिकल क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस ओके एक्सेप्ट एमसीक्यू, आई रिपीट द वर्ड एक्सेप्ट एमसीक्यू, आपको मोर देन 1000 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इनफ फॉर प्रैक्टिस. और एमसीक्यू मैंने हर चैप्टर के एंड में अभी इस बार से ऐड किए हैं ओके. जैसे आपको पता है कि 30 मार्क्स का एमसीक्यू फॉर मे एंड ऑनवर्ड्स एग्जामिनेशन के लिए आया है, तो एमसीक्यू हर चैप्टर के एंड में मैंने ऐड किया है. तो एमसीक्यू भी अराउंड 1500 एमसीक्यूज इन इनडायरेक्ट टैक्सेस आई हैव कवर्ड इन क्वेश्चनर्स. तो ये कुछ स्पेशल ओके फीचर्स है क्वेश्चनर्स के. मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये फीडबैक है कि एक बार अगर हमने सब्जेक्ट पढ़ लिया तो सर का फिर रेगुलर बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, चार्ट्स और क्वेश्चनर्स पढ़ लो, दैट्स इनफ. क्यों ऐसा बेटा? मैं इसलिए क्योंकि ये स्टूडेंट्स का फीडबैक जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये कहना है कि हर एरिया में, और मैंने वैसा बनाया बेटा, हर एरिया में ओके मैंने दो या तीन क्वेश्चंस कवर किए हैं, यानी हमारे एक्ट का कोई भी ऐसी प्रोविजो एक्सप्लेनेशन सेक्शन नहीं बचा जिसके ऊपर मैंने क्वेश्चन नहीं बनाया है ओके. तो इसलिए अगर आप ये क्वेश्चनर भी पढ़ते हो तो एक तरह की आप क्वेश्चन आंसर बुक पढ़ रहे हो जिसमें आपका पूरा सिलेबस हो जाता है. तो ऑब्वियसली वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है जिसको क्वेश्चन आंसर पढ़ने की आदत है ओके. तो मुझे याद आता है मैंने सीए फाइनल में ऑडिट की पढ़ाई ऐसी की थी, मतलब मेरा टाइम डीटी आईडीटी लॉ में बहुत ज़्यादा चार्ट्स बनाने में चले गया था और एक महीना बचा था और मैंने ऑडिट बिल्कुल नहीं पढ़ा था. तो मैं बहुत टेंशन में आ गया कि यार सब टाइम चले गया, एक महीना बचा. इवन दो आई स्टार्टेड माई स्टडी 5 months 6 months बिफोर द एग्जामिनेशन आफ्टर कम्प्लीशन ऑफ क्लासेस, लेकिन ऑडिट नहीं हुआ. तो ऑडिट यहाँ पे नहीं हुआ तो क्या करूँ? फिर मैंने ऑडिट के लिए मैंने सोचा एक काम करते हैं, पिछले 10 साल की सजेस्टेड लेते हैं ओके, क्वेश्चन आंसर जय माता दी. तो यहाँ पे फिर जो पिछले 10 साल की सजेस्टेड आंसर्स ले लिए ओके, और एक सजेस्टेड होती खत्म होता जय माता दी, दूसरा सजेस्टेड खत्म होता जय, आपने नहीं करना है ऐसा. तो यहाँ पे हाँ इसमें होता है बेटा, बहुत से स्टूडेंट्स को ये जैसे मुझे बताया
कि बहुत से स्टूडेंट को ये आदत है यहाँ कि क्वेश्चन आंसर्स में उनको अगर आंसर्स मिल जाए तो ज़्यादा वो प्रॉपर ढंग से लिख सकते हैं रादर देन नोट्स. तो ये क्वेश्चन का यही ऑब्जेक्ट है कि क्वेश्चन आंसर हर एरिया में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है. मतलब एक पर्टिकुलर सेक्शन में सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आ सकता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे आ सकता है, प्लस ओके यहाँ पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आ सकता है, ये सब कुछ ये क्वेश्चन है इसमें मैंने कवर किया है. अब आते हैं सोर्स मटेरियल कि इतना बड़ा क्वेश्चन बैंक मैंने किस कौन से सोर्स से बनाया गया, क्योंकि इंस्टीट्यूट का सोर्स मटेरियल तो इतना अवेलेबल नहीं है, प्रैक्टिस मैनुअल अवेलेबल नहीं है ओके, एज वेल एज दो तीन एग्जाम के आरटीपी और क्वेश्चन पेपर अवेलेबल, उससे ज़्यादा तो नहीं है. तो सोर्स मटेरियल बेटा इसका हमारे इंस्टीट्यूट ने एक सबसे पहले प्रोफेशनल्स के लिए बैकग्राउंड मटेरियल इशू किया था जब GST आया था, तो उसमें से जो अच्छे अच्छे केस स्टडीज थी वो मैंने ली. उसके बाद में कंटिन्यूस CBIC एफर्ट कर रही है फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन पे ओके, जैसे अभी आपको बताता हूँ कंस्ट्रक्शन पे लास्ट इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन बैंक ओके CBIC ने बना के दिया लास्ट मंथ में ओके, हम उसमें से जो भी रिलेवेंट है कवर करेंगे हमारे इसमें. तो CBIC भी कंटिन्यूसली उसके ऊपर ओके छोटे छोटे क्वेश्चंस के स्टडीज बना रही है. ये सोर्स मटेरियल प्लस मेरी रिसर्च टीम इसके ऊपर क्वेश्चंस बना रही है ओके, यानी लगभग हर मंथ में हम 15-20 क्वेश्चंस नए बनाते हैं जिसमें सभी पैरामीटर्स कवर हो जाए, तो वो भी मैंने ये क्वेश्चनेयर्स में कवर किया है ओके. प्लस बेटा नीचे थोड़ा हाँ, तो प्लस यहाँ पे मैंने बुक्स भी रेफर की है कि भाई जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस की प्रैक्टिस मैनुअल कमेंट्रीज या अदर ऑथर्स की बुक्स है वो रेफर करके जो भी अच्छे क्वेश्चंस लगे जिसमें बहुत अच्छी एडजस्टमेंट्स है मैंने ये क्वेश्चनर्स कवर किया है. एक लाइन में बताना है तो ये क्वेश्चनर के अलावा दूसरा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. इसमें मटेरियल के सभी क्वेश्चंस कवर्ड है, फिर से सुनो, मटेरियल के सभी क्वेश्चंस कवर्ड है हमारे इंस्टीट्यूट के मटेरियल के, नॉट ओनली CA इंक्लूडिंग CMA एंड CS ओके. हो सकता है कहीं पे मैंने नहीं लिखा होगा फ्रॉम CMA CS, कहीं प्रिंटिंग रह गया होगा, प्रिंटिंग में मेरा देना रह गया होगा, पर आई एश्योर यू एवरीथिंग इज कवर्ड ओके. उसके बाद में RTP जितनी भी ओल्ड न्यू सिलेबस की RTP है सभी कवर्ड है, मॉक टेस्ट पेपर सभी कवर्ड है ओके. और नेक्स्ट बेटा यहाँ एग्जामिनेशन क्वेश्चंस सभी कवर्ड है. बस अभी ये जो मई जून में एग्जाम होगी हमारी फॉर CA फाइनल CMA या CS, बस ये एग्जाम कवर्ड नहीं है, बाकी अभी तक की पूरी RTP भी इसमें कवर्ड है ठीक है. और मई जून एग्जाम का एनालिसिस का आंसर्स का एनालिसिस मेरा बाद में आता है तो आप बाद में रेफर कर सकते हो ठीक है. तो आपको बस इतना है बेटा कि आपकी जो एग्जाम होगी नवंबर या मई 2020 तो आपको RTPs आपकी RTP अलग से आएगी. जैसा आपके एग्जाम अगर नवंबर में होगी तो आपकी RTP अगस्त में आएगी, और अगर आपके एग्जाम मई 2020 होगी तो आपकी RTP फरवरी में आएगी. तो वो RTPs आपको कर लेना है बस ओके. और अभी के जो एग्जाम के पेपर्स है ओके वो आपको, वो भी मैं ओके www.vsmartacademy.com/vishal sir पे डाल दूंगा, मिल जाएगी बेटा आपको, पहले इतना कर लेना ओके. प्रॉब्लम ये जाता है स्टूडेंट्स का, ये मटेरियल तो करते नहीं है और सिर्फ मैंने जो कमिट कर दिया कि बाद में दे दूंगा मैं आपको, पहले वो साइट पे जाके देखते वो दिया क्या वो नहीं दिया ना, फिर व्हाट्सअप, अरे नालायक हो, पहले ये तो खत्म करो ओके. आपको सब मिल जाएगा ओके. अब मैं एग्जाम्पल के तौर पर इस बार की RTP ले लो. इस बार की RTP में मैं आपको बता देता हूँ, हर वो क्वेश्चन जो मैंने ऑलरेडी मेरे क्वेश्चनेयर की बुक में कवर किया है मैंने डिस्कस किया है, सब कुछ है, 90% क्वेश्चन सिमिलर पैटर्न किया है मैंने किया है. तभी भी स्टूडेंट बोलता है कि नहीं RTP का स्पेशल डिस्कशन ले लो ओके. फिर अभी तो मेरे को स्टूडेंट्स के ये भी व्हाट्सअप आते हैं, सर क्वेश्चनेयर के एक आप फास्ट ट्रैक क्वेश्चनेयर बनाओ. एक काम कर लेता हूँ मैं आपका आंसर शीट आके लिख देता हूँ बस तो इतना ही, तो जस्ट किडिंग बेटा ओके. पर हाँ बेटा, फाइनल लेवल के स्टूडेंट बी मैच्योर्ड ओके. इतना भी इन्फो आपको मिल रहा है ना, ये बहुत है. मुझे याद है पिछले दस साल में बढ़ा है, नहीं तो मैंने जहाँ पढ़ा है वहाँ तो बैरक से पढ़ाया जाता था. सामने से बैरक रखो, उस पर से इंटरप्रिटेशन, तुम सोचो इस पर क्या हो सकता है, और पुराने तुम सजेस्टेड आंसर यूज़ कर लो.
इसके बेस पे पढ़ाया जाता था, अभी आपको इतना मटेरियल मिल रहा है, पर स्पून फीडिंग मत, आदत मत लगाओ लाइफ में। ठीक है सीए बन जाओगे पर लाइफ में बहुत तकलीफ जाएगी, इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि हाँ इसमें हमारी गलती है, हम सब कुछ ला के दे रहे हैं आपको, पर अब इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो कि हम लिख के दे दें आपको। ठीक है, तो इन सिंपल वर्ड हम यहाँ ये क्वेश्चन देख रहे हैं। पर्सनल मत हो जाना, एज अ टीचर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जो प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रहा हूँ स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप पे। ओके, नाउ नेक्स्ट बेटा, यहाँ क्वेश्चन में हम जो यहाँ डिस्कशन करेंगे सिलेक्टेड क्वेश्चंस पे करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकली हज़ार डेढ़ हज़ार क्वेश्चंस पे डिस्कशन करना पॉसिबल नहीं है, हमारे पास भी लिमिटेड टाइम है। हाँ, लेकिन जो अच्छे क्वेश्चंस है, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस है, ओके, हाँ वो हम यहाँ डिस्कशन तो करेंगे। प्लस मैं आपको ये भी बताऊँगा कि प्रेजेंटेशन आपका कैसा होना चाहिए। ओके, कुछ क्वेश्चंस लेकर कि ये मैटर रहता है कि सर प्रेजेंटेशन का आप बताइए प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए। और आखिरी एक डिस्क्लेमर देता हूँ, आई रिपीट, आखिरी एक डिस्क्लेमर देता हूँ कि आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि ये इसके सभी आंसर्स जो है ओके यहाँ पे करेक्ट हो, मेरी पूरी रिसर्च टीम काम कर रही है, पर कभी आपके इंटरप्रिटेशन और हमारे इंटरप्रिटेशन में डिफरेंस रहा तो ये मत समझना कि ये गलत है। आप जरूर हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, फोटो निकालो उसका व्हाट्सअप करते हो कर सकते हो, हमारी टीम आपके साथ डिस्कस करेगी। और नो डाउट अगर आपका इंटरप्रिटेशन सही रहा तो डेफिनेटली वो करेक्शन शीट आ जाएगी, या इंस्टीट्यूट ने अगर करेक्शन करके दिया। मैं जानता हूँ कि इंस्टीट्यूट ने अपने ही मटेरियल में कम से कम 10 बार करेक्शन किए हुए हैं, क्योंकि GST इज़ अ न्यू लॉ। ठीक है, अलग अलग इंटरप्रिटेशन आ सकते हैं, तो और अमेंडमेंट कंटिन्यूस है बेटा। ओके, अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि रिफंड चैप्टर की एक अमेंडमेंट हुई एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, अब वो अमेंडमेंट के CBIC के खुद के ही ओपिनियन 3 बार बदल गया एडजस्टेड टर्नओवर, फिर ये लेना कि नहीं लेना उसके हिसाब से मेरे आंसर्स बदल जाते हैं CBIC के हिसाब से, इसलिए मैं ये कहता हूँ। हाँ, ये मेरे सब्जेक्ट का लिमिटेशन है ओके, कि अभी एग्जिस्टिंग जो इंटरप्रिटेशन है उसके बेस पे आंसर रहता है, फिर नया कोई अमेंडमेंट आ जाता है, इंस्टीट्यूट एक अलग इंटरप्रिटेशन ले लेती है, तो इसके बेस पे आंसर्स चेंज हो सकते हैं। एज अ स्टूडेंट मैं आपकी बात समझ सकता हूँ कि आपको बहुत स्पेसिफिक आंसर चाहिए, लेकिन बेटा ये सब्जेक्ट का ये एक लिमिटेशन है, एटलीस्ट अगले 3-4 साल ये सोच के चलना। इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चनर्स गलत है, ओके आंसर्स गलत है, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन हमने भी बनाए हैं ओके, हमारे इंटरप्रिटेशन के हिसाब से मेरी टीम ने पूरा ओके उसका आंसर्स बनाया हुआ है। चलिए हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। MCQ में भी मुझे तो ऐसा लगता है, फ्रैंकली कहूँ आपको, तो MCQ आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, मैं कुछ सैम्पल बेसिस पे लूँगा, लेकिन अगर हमारा क्वेश्चन या डिस्कशन हो जाए, सब्जेक्ट पे डिस्कशन हो जाए, तो MCQ आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, अगर आपको कोई MCQ में तकलीफ होगी तो वो सिचुएशन में आप व्हाट्सअप कर सकते हो, हमारी टीम आपके साथ ओके डिस्कस करेगी। मैं आपको कह देता हूँ, मेरे टीम में 3 पर्सन्स है जो रिसर्च कर रहे हैं, प्लस मैं, दिन के हम 3 से 3.5 घंटा दे सकते हैं, और 3 से 3.5 घंटे में हम मैक्सिमम आपको कह दूँ तो 150-200 डाउट सॉल्व कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम सॉल्व नहीं कर सकते। इसीलिए आप एक बार दो बार पढ़ो, अगर आपको नहीं समझा तो पुट करो ओके डाउट, अननेसेसरी अगर आप ट्रैफिक बढ़ाओगे तो जिसके जेन्युइन डाउट है ओके वो डाउट्स रह जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, आप फाइनल के स्टूडेंट हो, मैच्योर्ड हो, ये बात समझ सकते हो, सबके डाउट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो अननेसेसरी आप ट्रैफिक मत बढ़ाइए। चलिए, तो पहला चैप्टर लेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ आवाज, और थोड़ी बड़ी चाहिए, आवाज़ आ रही है, तो एक काम करना तू भी सामने आ जाकर। हाँ, तो अब यहां पे इंट्रोडक्शन ऑफ GST, अरे बाप रे, MCQ तो बहुत सारे क्वेश्चंस ओके कम है, चलो ले लेता हूं। हाँ, तो सभी क्वेश्चन है बेटा कलर्ड में है, तो आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं जाएगी, वैसे भी अभी ट्रेंड जो है कलर का हो गया है, और यहाँ हमारी इंस्टीट्यूट भी एटलीस्ट ई कॉपी तो भी कलर में देती है, अरे है ना, तो एटलीस्ट ई कॉपी तो भी कलर में देती है, तो चलो
नाउ एक्सप्लेन द कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ जीएसटी. इसमें कोई स्पेशल बात नहीं है, ये वैल्यू एडेड टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है. बहुत पहला मॉड्यूल था, आपको याद होगा, बहुत पुरानी बात है, मीठी मीठी यादें है. कुछ याद आ रहा है ना? पहला मॉड्यूल आपने कभी खोल के नहीं देखा होगा, देखा ही नहीं ना, मुझे पता है. तो उसमें नौ फटाफट देख लो, ये वैल्यू एडेड टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, बर्डन कंज्यूमर को पास ऑन होता है, मल्टीपल स्टेज पे कलेक्शन होता है, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है. ओके, ये कुछ प्रिंसिपल्स है. विच टैक्सेस आर सब्स्यूम इन जीएसटी, यह आपने कर लेना, कोई क्वेश्चन इतना मेरे समझाने लायक नहीं है. व्हाट आर द टैक्सेस दैट विल बी कंटिन्यू पोस्ट जीएसटी. ओके, जीएसटी के कुछ टैक्सेस अभी भी जीएसटी में मर्ज नहीं हुए हैं, उसकी लिस्ट मैंने यहाँ दी है. और अभी कह देता हूँ, जो मैं यहाँ इंपॉर्टेंट करूँगा क्वेश्चंस, बस ये समझ लेना वही फास्ट ट्रैक ऑफ क्वेश्चनेयर है. ठीक है, जो मैं यहाँ इंपॉर्टेंट करूँगा वही फास्ट ट्रैक ऑफ, मतलब अगर आपका ये क्वेश्चनेयर पढ़ना नहीं हो पाया तो वो फास्ट ट्रैक में वो क्वेश्चन पढ़ लेगा. ठीक है, तो नाउ यानी अभी स्टेजेस देखो कैसे हुए, पहले रेगुलर क्लास, फिर फास्ट ट्रैक क्लास, फिर बूस्टर क्लास, फिर चार्ट क्लास, फिर वन डे बिफोर क्लास. एक काम करता हूँ, आप जब सेंटर पे जाओगे वहां पे भी खड़ा हो जाओगे, 2 मिनट्स क्लास, ओके 5 मिनट्स क्लास. तो यहाँ पे एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ड्यूअल मॉडल ऑफ जीएसटी. ठीक है, व्हाट डज सी जीएसटी एस जीएसटी मीन्स, ये बच्चों की बातें अब. ओके, इट इज रिक्वायर्ड टू डिस्टिंग्विश वेदर पर्टिकुलर सप्लाई इन्वॉल्व. हाँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये स्टार्ट करना. इज इट रिक्वायर्ड टू डिस्टिंग्विश वेदर अ पर्टिकुलर सप्लाई इन्वॉल्व सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ. आप इनफ मैच्योर्ड हो गए हो और रेगुलर क्लास में आपके 2-3 चैप्टर तो हो गए हैं. क्या ये जरूरी है कि कोई एक्टिविटी को क्लासीफाई करना एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज? हाँ या ना? हाँ, क्योंकि बहुत सी प्रोविजन्स गुड्स पे और सर्विस पे अलग से लगती है. तो इट इज नेसेसरी टू क्लासीफाई एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स. इसके लिए आप बताओ क्या क्या हेल्प करता है क्लासिफिकेशन के लिए. शेड्यूल टू एंड सेक्शन एट में कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई. ओके, तो जैसे टाइम ऑफ सप्लाई के लिए क्लासिफिकेशन जरूरी है, प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए क्लासिफिकेशन जरूरी है, एग्जम्पशन के लिए क्लासिफिकेशन जरूरी है. ओके, जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, ये भी ठीक है. उसके बाद में हाँ नेक्स्ट, वैसे तो आपको याद होगा पर विच आर द कमोडिटीज केप आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी, एक बार लिस्ट हो जाए बेटा, बहुत पुरानी लिस्ट थी. अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल. ये एक तरह की रिविजन है. ओके, अगर आपने बुक ओपन करके भी नहीं देखी होगी तो ये रिवाइज हो जाएगा. ठीक है ना, उसके बाद में एक छोटा सा क्वेश्चन, हु विल डिसाइड द रेट्स ऑफ जीएसटी? गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल. गवर्नमेंट डिसाइड करेगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल. ठीक है, उसके बाद में एक आरटीपी में पूछा था, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल. जीएसटी काउंसिल की शॉर्ट नोट हो आपको देना पड़ेगा. कुछ पॉइंट्स इसमें इंपॉर्टेंट है, 3 पॉइंट. ये जीएसटी काउंसिल जो है ओके प्रेसिडेंट के अंडर में रहेगा. इसके हेड यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, बाकी स्टेट मेंबर्स स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर इसके मेंबर हो गए. और इनके फंक्शन लास्ट वाला, इनके फंक्शंस क्या हो गए? ओके, ये क्वेश्चन मुझे अब नहीं लगता रिपीट होगा, जब जीएसटी नया नया था ओके तब ये आया था एग्जाम में, पर ठीक है आरटीपी में लिया था ये. व्हाट इज द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ जीएसटी काउंसिल, क्या क्या फंक्शंस है जीएसटी काउंसिल्स के, ये भी आप पढ़ सकते हो, इसमें पढ़ाने लायक ऐसा कुछ नहीं है. जीएसटीएन पोर्टल, फंक्शंस परफॉर्म बाय जीएसटीएन, कुछ खास बात नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच स्टेट हैव बीन कैटेगराइज एज अ स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट, कौन से स्टेट को स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट बोला जाएगा? यस कम ऑन बताओ.
एक बार ये अरुणाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, एक हमने इसका बनाया था ना। ओके, एक शॉर्ट वर्ड बनाया था इसका, कैसे याद रखना, जाना मस्ट है, ऐसा कुछ बनाया था। ठीक है, आप अपने हिसाब से बना लेना। आउटवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई, हाँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, ब्रिंग आउट द साइलेंट फीचर ऑफ क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ ITC अंडर द GST लॉ। मुझे बताओ ITC की यूटिलाइजेशन क्या अभी क्या है? मुझे बताओ, उन्होंने सिर्फ क्रॉस यूटिलाइजेशन पूछा है। क्या IGST का क्रेडिट हम किस में यूज कर सकते हैं? IGST, CGST, SGST, पर पहले किस में बेटा? IGST में। अगर IGST कंप्लीटली यूज हो जाता है तो उसके बाद में हम CGST और SGST, CGST, CGST, IGST, बट SGST में अलाउड नहीं है। SGST, SGST, IGST प्लस, लेकिन CGST में अलाउड नहीं है। तो ये आपके लिए कोई नई बात नहीं है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वेरियस लिस्ट प्रोवाइडेड अंडर 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये तीन लिस्ट है, लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, डिस्कस हाउ GST रिजॉल्व डबल टैक्सेशन डिकोस्टोमी अंडर द वेरियस इनडायरेक्ट टैक्स लॉ ICAI मटेरियल। ओके, अब देखो, डबल टैक्सेशन इफेक्ट जो है इनडायरेक्ट टैक्स में GST ने कैसे कंप्लीट किया, मैं ये पढ़ता हूँ। इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ CGST, SGST और UTGST इज अवेलेबल थ्रू आउट द सप्लाई चेन और कॉम्प्रेंसिव टैक्स स्ट्रक्चर टू कवर बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स एड्रेसेज दिस प्रॉब्लम। साइमल्टेनियस इंट्रोडक्शन ऑफ GST एट बोथ, मतलब दोनों एक साथ लॉ इंट्रोड्यूस हुआ at both center and state level, has integrated the taxes on goods and services for the purpose of set off relief and ensure the both cascading effect of SenVAT and service tax are removed, underline, GST ke wajah se SenVAT aur service tax ke jo cascading effect the wo remove hai, and continuous chain of set off from original producer's point, service provider's point, up to retail level, consumer level is established, one single tax. In GST regime, the major indirect taxes have been subsumed in the ambit of GST. Okay, मतलब जितने भी पहले पुराने indirect taxes थे वो subsumed हुए। Next, state government has exclusive power to notify the transaction to be supply of goods or service. Discuss the correctness of the statement. मुझे बताओ, क्या state government के पास exclusive power है कि transaction supply of goods or services ये बताना? The statement is incorrect. ओके, स्टेट गवर्नमेंट कैन नोटिफाई द ट्रांजेक्शन टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बट ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ क्या? GST काउंसिल। मतलब अभी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट साथ में ही काम करेगा और ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ GST काउंसिल, और स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट भी हुई है। नाउ नेक्स्ट, ITC लिमिटेड इज अ कंपनी मैन्युफैक्चरर ऑफ सिगरेट and supplied to the distributor Mr. Z for rupees 2 lakhs on which charge excise duty as well as GST, cigarette, tobacco product, jiske upar excise duty and GST dono charge kar rahe hain. Mr. Z further supplied to retailer Mr. R for 2,20,000 and charge GST only. Explain whether treatment by ITC limited and distributor Mr. Z is correct or not. Mujhe batao, manufacturer ne do lagaya, excise एंड GST, और आगे डिस्ट्रीब्यूटर ने एक ही लगाया GST, वेदर दिस ट्रीटमेंट इज करेक्ट, यस और नो? ओके, तो ये ट्रीटमेंट करेक्ट होगी। उसके बाद में मिस्टर चंदूलाल ऑफ गुजरात सप्लाइड गुड्स फॉर रुपीज 35,000 टू मिस्टर कमलेश ऑफ अहमदाबाद, मिस्टर चंदूलाल परचेज गुड्स ऑफ 59,000। अब थोड़ा ये प्रॉब्लम देख लेना, इंक्लूसिव ऑफ IGST 9% and 47,200 inclusive of CGST, SGST 9% each from Mr. Shah of Surat,
ठीक है, IGST का गुड्स 59,000 का था और CGST SGST का था. ओके, फ्रॉम सूरत एंड मिस्टर पाटिल ऑफ महाराष्ट्र रिस्पेक्टिवली. CGST SGST रेट ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स बाय मिस्टर चंदूलाल कितना है बेटा? 9% ईच. फाइंड द नेट लायबिलिटी ऑफ GST. चलो, चंदूलाल की सेल प्राइस कितनी दी है? 35,000. उसके ऊपर लोकल सेल किया उसने गुजरात में ही, अहमदाबाद में ही, इसलिए क्या लगेगा उसके ऊपर बेटा? CGST एंड SGST. चलो, अब उसके बाद में नेक्स्ट, उसके बाद क्रेडिट किसके किसके अवेलेबल थे? 59,000 इंक्लूसिव ऑफ क्या बेटा? IGST. कितना आ रहा है? 59,000 बैकवर्ड कैलकुलेशन करो कितना आ रहा है. कितना अमाउंट आया यहां पे? IGST इक्वल्स टू 59,000 इंटू नहीं, फ्रॉम दो परचेस है ना उसकी, एक 59,000 की और एक 47,200 की है ना, तो वो उल्टा हो गया. पहला परचेस, हाँ, यहाँ शाह के जगह पहला परचेस क्या चाहिए? हाँ, यहाँ पाटिल कर दो महाराष्ट्र और दूसरा शाह कर दो, शाह कर दो. अब कहा क्या बेटा? सूरत. अब सूरत और IGST का रेट 18% कर दो, तो कितना आ रहा है? इंटू 18 डिवाइडेड बाय 118 कितना आ रहा है बेटा? 9,000 ना. अच्छा, तो पहले तो हम क्रेडिट किसका यूज करेंगे? IGST का. तो पेबल कितना है बेटा मेरा? 3150 एंड 3150, ठीक है, 3150. तो उसमें पहले क्रेडिट किसका यूज किया? IGST के. और बाकी का क्रेडिट क्या होगा? कैरी फॉरवर्ड. ओके, बाकी यानी CGST SGST और IGST का क्रेडिट क्या होगा बेटा? कैरी फॉरवर्ड. तो यहाँ साइड में लिख देना ये, शायद यहाँ क्रेडिट टू बी कैरी फॉरवर्ड, क्रेडिट टू बी कैरी फॉरवर्ड. IGST कितना कैरी फॉरवर्ड होगा? हाँ, 2,700. CGST और SGST कितना कैरी फॉरवर्ड होगा? 3,600 और ये भी 3,600, ठीक है, ये कैरी फॉरवर्ड होगा. ITC टू बी कैरी फॉरवर्ड.
चलो ये एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं. ए मेक्स अ इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स वैल्यूड 50,000 टू बी. अच्छा इंट्रास्टेट सप्लाई है बी विद इन अ स्टेट ऑफ कर्नाटका. बी मेक इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सप्लाई टू एक्स लिमिटेड लोकेटेड इन तेलंगाना आफ्टर एडिंग 10% एज इट्स मार्जिन. देर आफ्टर एक्स लिमिटेड सेल्स इट टू वाई टू तेलंगाना. इंट्रास्टेट सेल है आफ्टर एडिंग 10% एज इज मार्जिन. एज्यूम दैट रेट ऑफ जीएसटी चार्जेबल 18% एन आई जीएसटी 18%. कैलकुलेट टैक्स पेबल एट ई स्टेज ऑफ ट्रांजेक्शन डिटेल्स अबव. वेर वेर इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल एंड कैन बी यूटिलाइज. कैलकुलेट द नेट टैक्स अवेबिलिटी इन कैश एट ई स्टेज ऑफ द ट्रांजेक्शन. इंडिकेट विच गवर्नमेंट विल रिसीव द टैक्स पेड एंड टू वॉट एक्सटेंट. ऐसा प्रॉब्लम हमने फर्स्ट मॉड्यूल में सॉल्व किया है. ओके पहले बताओ, पहले तो कर्नाटका में इंटरेस्टेड सप्लाई हुआ आया ना. तो पहला प्राइस ट्रांजेक्शन ए टू बी, ध्यान से देखो फटाफट एक एक स्टेटमेंट. वैल्यू चार्ज 50,000, सी जी एस टी एस जी एस टी टोटल कितना हुआ 59,000. ठीक है नेक्स्ट. तो मुझे बताओ यहां पे ए तो फर्स्ट स्टेज सप्लायर था तो वो पूरा पे कर रहा है, पर आईटीसी अवेलेबल टू बी, तो बी को आईटीसी 4,500. अब बी कहां का है? कर्नाटका का. बी ने आगे कहां सेल किया? तेलंगाना टू एक्स तेलंगाना 10% मार्जिन. तो अगर आप बी टू एक्स का ट्रांजेक्शन लेते हो विथ मार्जिन 10% तो वो 55,000 हाँ तो ये कहाँ, ये आईजीएसटी चाहिए इसको आईजीएसटी. तो ये कहाँ जा रहा है बेटा? ये तेलंगाना जा रहा है. ओके तो ये तेलंगाना, तो यहाँ 55,000 का 18% निकालना कितना रहा है? ओके तो 18% 9,900. ओके 9,900 यहाँ पे. अब ये आईजीएसटी पेबल है. अब आईजीएसटी के पेमेंट के लिए एक बार थोड़ा याद करना, आईजीएसटी का पेमेंट आ रहा है पहले आईजीएसटी यूज करेंगे, लेकिन आईजीएसटी मेरे पास अवेलेबल नहीं है. अरे समझ में आया ना? तो फिर क्या यूज करूँगा? सीजीएसटी. और फिर क्या यूज करूँगा? एसजीएसटी. तो नेट पेबल 900 आ रहे हैं. ठीक है आगे एक्स ने देखो कहाँ सेल किया है. देर आफ्टर एक्स सेल टू वाई इंट्रास्टेट सप्लाई हुआ ना. ओके तो वो इंट्रास्टेट सप्लाई हुआ बाय 10% मार्जिन. तो नेक्स्ट स्टेज पे देखो. ओके 60,500 सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा. अब सीजीएसटी पेमेंट के लिए सीजीएसटी पेमेंट के लिए आप सीजीएसटी भी यूज कर सकते हो और आईजीएसटी. पर अभी हमारे इनपुट में कौन सा टैक्स है बेटा? आईजीएसटी. तो क्या मैं सीजीएसटी के लिए आईजीएसटी यूज कर सकता हूँ? यस. देखो आपको याद होगा तो क्लैरिफिकेशन आया था, और क्लैरिफिकेशन में मैंने कहा था कि सीजीएसटी के लिए पहले क्या यूज करना है? सीजीएसटी. ओके और बाद में क्या यूज करना है? आईजीएसटी. ओके टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी, कुछ याद आ रहा है आपको ये वर्ड? ओके टू मेंटेन. तो अब मेरे परचेसेस में सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं है, आईजीएसटी है. तो मैं आईजीएसटी यूज करूंगा और सीजीएसटी पेएबल नील, बाद में एसजीएसटी के लिए बचा हुआ आईजीएसटी यूज करूंगा. तो नाउ नेट एसजीएसटी पेएबल कितना आएगा? 990. ओके तो ये था रिगार्ड एट ई स्टेज जो है हमने किस तरह से कैलकुलेट किया है. यहाँ पे फर्स्ट मॉड्यूल का यूटिलाइजेशन पे मेन क्वेश्चंस थे, ये हमारे कंप्लीट होते हैं. नाउ नेक्स्ट अब थोड़ा एमसीक्यू पे आ जाते हैं. फटाफट मेरे साथ डिस्कस कर लो ये एमसीक्यू. ठीक है आप बताओ सोच के फटाफट. यहाँ पे सिक्स अराउंड 49 एमसीक्यू है और 49 सेकंड में हो जाने चाहिए. ठीक है तो यहाँ पे पहला
वॉज द फर्स्ट कंट्री टू एडॉप्ट फ्रांस, ठीक है। दूसरा, जीएसटी इज रिकमेंडेड बाय ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बजट मैनेजमेंट, कौन सा? केलकर टास्क फोर्स, ठीक है। यहाँ पे व्हाट काइंड ऑफ टैक्स कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, इनडायरेक्ट टैक्स, चिल्लर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, चार्ज ऑफ लेवी, नेचर ऑफ ट्रांसफर, डिफरेंट कलेक्शन पैटर्न। आंसर लेके तो नहीं बैठे हो ना आप? हाँ, तो ना क्या, ऑल ऑफ अबव। अब मैं बताता हूँ बेटा, एमसीक्यू पूरा मेरी टीम ने बनाया हुआ है, कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हो रहा है। ओके, इंस्टीट्यूट ने तो मिलकर पूरे जीएसटी में 22 एमसीक्यू दिए हैं पूरे जीएसटी के, ये मेरे टीम ने बनाए हुए, एंड कसम खाता हूँ नॉट कॉपीड फ्रॉम एनी वेयर। हाँ, वो बात अलग है कि मैच हो जाएगा कहीं पे, कुछ हो सकता है यहाँ से कॉपी हो या बाय चांस हम जो सोच रहे उसने वही सोचा हो। ओके, तो नाउ व्हेन डिड द जीएसटी एक्ट कम इनटू फोर्स, ये तो भूलना ही मत, आप गवाह हो। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग 101 कंफर्म, व्हाट काइंड ऑफ टैक्स इज जीएसटी कॉल्ड एज, वेरी गुड। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन मोटिव ऑफ द गवर्नमेंट बिहाइंड इंट्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड, हाँ, ऑल ऑफ अबव, मतलब आप समझ रहे हो ना, एमसीक्यू डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, नहीं छोड़ो, नहीं छोड़ो, नहीं पढ़ लेते, नहीं नहीं कैसे मैंने छोड़ दिया तो वो लिखेंगे ना आप, उड़ा दिया। हाँ, तो विच ऑफ द आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइन द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन ऑफ जीएसटी काउंसिल, हाँ नहीं नहीं जीएसटी काउंसिल के फंक्शन याद करो, याद करो, जीएसटी काउंसिल के फंक्शन, हाँ 279A, ठीक है। ये 240, यहां गलती हो सकती नालायक हो, जीएसटी की लेवी 246A में है और जीएसटी काउंसिल के फंक्शन 279A में, स्टार करो इसको। ओके, जीएसटीएन इज अ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट नन ऑफ अबव 1% कंपनी, हाँ नन ऑफ द अबव, क्यों? ओके, बस आपका मन कह रहा है इसलिए लिखो यहां पे, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है जीएसटीएन, क्योंकि मिलकर बनाई है नन, ओके, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने, वो टैक्स का रेवेन्यू है। ये जो पोर्टल बना है, ये पोर्टल जो है एक ऑर्गेनाइजेशन बनी और वो ऑर्गेनाइजेशन के तहत सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ने। ओके, तो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, नेक्स्ट यहां गलती हो सकती है, ध्यान रखना। फ्रॉम द फॉलोइंग हु विल बी द मेंबर ऑफ जीएसटी काउंसिल, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू फाइनेंस, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, क्या 1 और 2 बराबर है क्या? मैं थोड़ा आंसर भी देख लेता हूं, कोई आंसर में गलती ना हो जाए। हाँ बराबर है। उसके बाद में हु अमंग्स द फॉलोइंग विल बी कंसिडर एज अ चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल, फाइनेंस मिनिस्टर, ओके 1 out of 1 mark। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर प्रिफर्ड, जीएसटीएन, फैसिलिटेटर रजिस्ट्रेशन, कॉम्पिटेंस सेटलमेंट, मैचिंग ऑफ पेमेंट एक्सेट्रा, ऑल ऑफ अबव, क्या आएगा? ऑल ऑफ अबव आएगा ना। उसके बाद में व्हाट डज द ड्यूअल जीएसटी कंसेप्ट मीन्स, हाँ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, आईजीएसटी तो स्पेशल फीचर है, समझा क्या? फॉर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी दिस इज ड्यूअल फीचर। व्हाट काइंड ऑफ टैक्सेस आर सब्सम अंडर जीएसटी, ऑल ऑफ अबव, ठीक है। उसके बाद में विच ऑफ द टैक्सेस आर आउट ऑफ परव्यू ऑफ जीएसटी, प्रॉपर्टी टैक्स बाहर है, एक्साइज ड्यूटी ऑन अल्कोहल बाहर है, एंटरटेनमेंट टैक्स बाय लोकल बॉडी, हाँ एंड ओनली ए एंड सी, एक मिनट, प्रॉपर्टी टैक्स बाहर है, सीबीडी तो मर्ज हो गया है, एक्साइज ड्यूटी ऑन ए एंड सी, यहां एक वर्ड डाल दो एंड डी, एंड डी, तो ई वाला क्लॉज, कहां टैक्स,
कहाँ पे? नहीं, पर ये भी एंटरटेनमेंट टैक्स बाय लोकल बॉडी सबसे नहीं हुआ है, स्टेट का हुआ है, वो आप ऐड कर देना कहीं पे। अगर एंटरटेनमेंट टैक्स बाय लोकल बॉडी होगा तो ये भी सबसे हुआ नहीं हुआ, आपने ऐड कर देना। ओके, उसके बाद में 17, विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स विल नॉट बी कवर्ड अंडर जीएसटी एक्ट? बी एंड सी, ठीक है। GST is levied on supply of all goods and services except कौन सा ऐसा आइटम है कि जिसपे जीएसटी नहीं लगता? अल्कोहलिक, अच्छा टोबैको भी नहीं लगता है? लगता है ना नालायको। हेल्थ केयर पे भी लगता है? ऑल ऑफ नहीं, ओनली ए। अरे ये 30 मार्क छोड़ना नहीं है, ये 30 मार्क आपका रिजल्ट बढ़ाएंगे। हाँ ठीक है। उसके बाद में हाउ मेनी कंपनीज आर गिवन परमिशन टू एक्ट एज जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर? अच्छा ये नया है, ये मैंने नहीं कवर किया है, ये मैं यहाँ पे आपको कितनी कंपनी, क्योंकि ये बढ़ भी रही है तो अच्छा अभी तो ठीक है, ये अभी लिख लो आप 19 का बी, 34 कंपनीज है जिसको जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर। पर सर ये जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर क्या है? ओके सुनिएगा, जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर ये जीएसटी के स्पेशल सॉफ्टवेयर बनाने के लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस दिए गए हैं कि जो जीएसटी के सॉफ्टवेयर बनाए, और ये रिकमेंडेशन दिया जा रहा है पूरे इंडिया में सभी को कि भाई आप जीएसटी के लिए सॉफ्टवेयर इनका खरीदो, जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर जो गवर्नमेंट ऑथराइज है, आई रिपीट जो गवर्नमेंट ऑथराइज है। ओके, और ये जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर का सॉफ्टवेयर इजीली कनेक्ट हो जाता है विद जीएसटीएन पोर्टल, बाकी का भी हो जाता है पर ये गवर्नमेंट ऑथराइज है इसलिए उसको कहते हैं जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर। आई होप यू अंडरस्टूड। तो अभी कितनी कंपनीज है? 34। ओके, ये मैंने नहीं लिया है मॉड्यूल में, ये एडिशनल है। ओके, उसके बाद में अथॉरिटी शैल कंसिस्ट ऑफ, authority shall consist of one chairman, one technical member, नहीं ये कुछ तो इसमें गड़बड़ हो गई। नहीं ये क्वेश्चन थोड़ा गलत ड्राफ्ट हुआ है इसको बेटा, इतने सारे इसमें अगर डिवाइडेड बाय कर दो बाय योर फीस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वेश्चन तो 5 पैसा लेके जाना। हाँ मैं से 5 पैसा लेके जाना, ठीक है, रिफंड, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे ये निकाल दो, हु विल नोटिफाई द रेट ऑफ टैक्स टू बी लेविड अंडर सीजीएसटी? हाँ रेट कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ क्या? जीएसटी काउंसिल, डी रहेगा। उसके बाद में अब देखो जो मैं हटा रहा हूँ बेटा, शायद हो सकता है कि आपके अब क्योंकि ये मैं लाइव क्लास में बैच ले रहा हूँ तो ये अभी हमने तो मैंने आपको जेरोक्स देके आपके साथ डिस्कशन किया है, ये जो भी करेक्शन होगी तो इसके बाद जो मेरा वर्चुअल क्लास कर रहे हैं या पीडी क्लास कर रहे हैं उनको पूरा करेक्टेड मिलेगा, ठीक है, उनको पूरा करेक्टेड मिलेगा। और नो डाउट जो लाइव क्लास में अभी तो हम जेरोक्स पे पढ़ रहे हैं, आपको जो मेन बुक आएगी वो पूरा करेक्शन के साथ आएगी। तो चलो मिलकर क्वेश्चनर बनाते हैं, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट, ओके क्या क्या बोल रहे हो? अच्छा तेरा नाम, ओके तो लिख देता हूँ, थैंक यू फॉर मई 2019 बैच, ठीक है, फॉर नवंबर अटेम्प्ट, ठीक है। तो नाउ प्रोसीड्स ऑफ जीएसटी compensation sets levied under section 8 shall be distributed among state as and when collected. COD option nahi hai, do hi option hai, yes and no, batao kya GST compensation sets jo collect kiya gaya wo kiske sath share kiya jayega? Kya wo state ke sabhi state ke sath ke nahi, sabhi state ke sath nahi, jo state ko wo nuksan hua जीएसटी आने के बाद वही स्टेट को जीएसटी कंपेंसेशन से इसका अमाउंट
बांटा जाएगा। तो ये इसका आंसर क्या आएगा बेटा, नो। और सी और डी ब्लैंक नहीं है, वहां कुछ है नहीं, ठीक है। दो ही ऑप्शन है, यस एंड नो, ठीक है। नेक्स्ट, इफ द स्टेट लूजेस रेवेन्यू बिकॉज ऑफ अबोलिशन ऑफ सेंट्रल सेल्स टैक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट विल पे कंपेंसेशन इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी कंपेंसेशन सेस फॉर 1 year, 3 years, 5 years या 10 years? तो 5 years। बोल संडे, बिजी हो? ओके, शाम को मिलेंगे। हाँ तो वही पार्टी मिलेंगे, ठीक है। तो नाउ 5 years, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट, पर मेरे को पता मिली क्या तेरे को कोई सच में? एग्जाम्पल अभी बोलना, पढ़ाई करना है, सी ए है, थोड़ा बाद में हम देखेंगे, ठीक है। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अब यहां पे जीएसटी इज बेस्ड प्रिंसिपल ऑफ पे एज यू अर्न, जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, जीएसटी इज टेक्निकली पेड बाय कंज्यूमर बट इट इज एक्चुअली फंडेड बाय सप्लायर, ऑल ऑफ अबव, बी आएगा ना बेटा? ओके, पे एज यू अर्न, वो तो इनकम टैक्स है, अर्निंग बेस्ड टैक्स इनकम टैक्स रहेगा तो वो नहीं आएगा। जीएसटी क्या बेटा? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, तो बी रहेगा। टेक्निकली पेड बाय कंज्यूमर एंड फंडेड, फंडेड बाय सप्लायर, कोई फंडेड सप्लायर नहीं, सप्लायर रिकवर कर लेता है कंज्यूमर से, ठीक है, तो बी रहेगा। द टर्म पब्लिक इंटरेस्ट इज वेग एंड असर्टन, ओके, नहीं फिल इन द ब्लैंक है ना बेटा, द टर्म पब्लिक इंटरेस्ट इज, यहां क्या आएगा? ओके, तो यहां क्वेश्चन नंबर 25 में चार ऑप्शन दिए, डेफिनेटली नॉट टू द एक्सटेंट एंड बोथ, क्या बी एंड ए एंड सी एंड करेक्ट? तो अब द टर्म पब्लिक इंटरेस्ट इज नॉट वेग एंड अनसर्टन, ये कहां से क्वेश्चन लाया मेरे टीम ने भी, ये मैं भी सोच रहा हूं क्वेश्चन कहां से आया। ठीक है, यहां इसका आंसर जो आएगा बेटा नॉट आएगा, पब्लिक इंटरेस्ट इज नॉट वेग एंड अनअसर्टेन। हाँ, ये क्वेश्चन ये टर्म्स में है कि जब जीएसटी लाया गया तो पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, यानी पब्लिक इंटरेस्ट को वेग में नहीं रखा गया और अनसर्टेनिटी पे नहीं, क्योंकि जीएसटी का एक बेसिक फीचर है सर्टेनिटी। आई रिपीट द वर्ड, क्या बेसिक फीचर है? इसलिए अगर आप बेनिफिट ऑफ जीएसटी पढ़ोगे तो उसमें ये टर्म मिलेगी आपको, तो पब्लिक इंटरेस्ट शुड नॉट बी वेग एंड शुड बी सर्टन, ओके, अनसर्टन नहीं होना चाहिए। तो ये आपको मिलेगा बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी में, ठीक है। Whether IGST revenue is to be apportioned to state? IGST का 50% revenue क्या state को जाएगा? पर कौन से state को जाएगा, origin या destination? Destination C answer आएगा बेटा, ठीक है। उसके बाद में who will be legislature of GST law? Central level पे parliament और state level पे स्टेट लेजिस्लेचर, इसलिए बोथ आएगा, ओके। 27 का सी आना चाहिए आंसर, हाँ हाँ, लेजिस्लेचर मतलब लॉ, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर पूछ रहा है क्या तू? लेजिस्लेट मतलब ड्राफ्ट कौन बनाएगा, लॉ कौन बनाएगा, लेजिस्लेट द लॉ। आपको याद है तो मैंने एक चार्ट बना के दिया था, लेजिस्लेटिव ऑर्गन, तीन ऑर्गन होते हैं, एक लेजिस्लेटिव होता है, एक एग्जीक्यूटिव होगा और एक जुडिशियरी होता है, तो बोथ यानी सेंट्रल और स्टेट दोनों बनाते हैं। प्रेजेंटली जीएसटी लॉ एक्ट एक्सटेंड टू ऑल स्टेट एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ऑल स्टेट एज वेल एज यूनियन टेरिटरी, ऑल स्टेट एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, ऑल, बी वाला आएगा ना, 28 बी बराबर है, ठीक है। द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल विल बी,
मैंडेटरी और एडवाइजरी, मैंडेटरी एंड समटाइम्स एडवाइजरी मैंडेटरी ऑन स्टेट ओनली, किस क्या आएगा? जीएसटी काउंसिल का रिकमेंडेशन क्या आएगा? जीएसटी काउंसिल का रिकमेंडेशन क्या आएगा? तो वैसे बेटा जीएसटी काउंसिल का रिकमेंडेशन जो है, अगर आप सुनो, जीएसटी काउंसिल का रिकमेंडेशन जो है, ओके, अभी जो है अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन पढ़ो तो वो एडवाइजरी पावर है। अभी मैं बताऊँ, 6 रिकमेंडेशन जीएसटी काउंसिल के पेंडिंग पड़े हैं, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने एग्जीक्यूट नहीं किया। वो बात अलग है कि मोस्टली कर रही है गवर्नमेंट, पर वो मैंडेटरी नहीं है, वो एडवाइजर है। ये एक थोड़ा पॉइंट याद रखना। अभी भी जितने देख लो आप, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग अगर ऑफिस में डिस्कशन होता होगा तो बहुत सारे रिकमेंडेशन है, पर सबके सब एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं। तो ये एडवाइजरी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट फॉल अंडर द स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट, बताओ। हाँ, ये मजा आएगा, कौन सा स्टेट स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट में नहीं आता है? छत्तीसगढ़, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट इज प्रॉपरली नोन एज क्या? जीएसटी बी ना, ओके, जीएसटी कंपनसेशन सेस एक्ट। उसके बाद में जीएसटी इज लेविड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लाई, ये तो बच्चा भी बता देगा। हाँ, मैं इधर आ बेटा, बताता तेरे को। हाँ, क्वेश्चन 32 सप्लाई, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अट्रैक्ट लेवी ऑफ सीजीएसटी एस जीएसटी, इंट्रा बी वाला आएगा, यस और नो? ओके, मैं ऊपर से ये भी बात कर रहा हूँ बेटा, वी आर इन द प्रोसेस ऑफ ऐप, ओके, जिसमें आप कभी बैठे बैठे क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, पर बना तो आपको एसएमएस आ जाएगा, नहीं बना तो व्हाट्सएप मत करना, ठीक है, बना तो एसएमएस आ जाएगा, ठीक है, ग्रुप में उसका लिंक दे दिया, वी आर इन दैट प्रोसेस, ठीक है। व्हाट आर द टैक्सेस लेविड ऑन इंट्रास्टेट सप्लाई, ये सब बच्चों जैसे खेल है, ठीक है। इफ एनी सप्लाई मेड बाय ट्रेडर फ्रॉम दिल्ली टू अनादर ट्रेडर इन दिल्ली, सप्लाई विल बी सब्जेक्ट टू, CGST and SGST, 35A बराबर है, हाँ। 36, which of the following supplies will be classified interstate supply? Supply within same state, supply within some union territory? C na? C. What is the integrated goods and service tax? It tax imposed on import export of goods, tax imposed on value addition of export, tax imposed on interstate trade, both A and C आएगा ना? The item which will be taxable both under current central excise law and GST even after the implementation of GST Act, 38 सी, हाँ हाँ, तंबाकू नाला है, हाँ। उसके बाद में व्हाट डज आई स्टैंड फॉर, IGST, भाई मैं मेरी मर्जी, मैं कुछ भी हो एमसीक्यू बना लो, आई क्या रहता है? इंटरस्टेट सप्लाई, हाँ, इंटरस्टेट होता है ना कि इंटीग्रेटेड होता है? हाँ, what does I stand for in IGST, CT stand for in CGST and ST stand for SGST, तो क्या मैं कह सकता हूँ? Integrated Central and State, B रहेगा ना answer? Okay, नहीं मैं MCQ questions मेरे research team नहीं बनाए हुए, मैंने सिर्फ और look किया है, okay, बाकी practical case और case study based questions mostly मेरे guidance के अंडर में बने हैं, okay. तो यहां पे ITC ऑफ CGST कैन बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ CGST एंड IGST, ITC ऑफ SGST कैन बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ
बी क्या? डी। अच्छा मैं एक और ये भी बात कह रहा हूँ कि जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जो भी स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं, आप अगर कुछ अच्छे एमसीक्यू बना सकते हो तो आप भी व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो। सर नाम यूज़ होगा क्या? इतने नाम यूज़ करना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन हाँ आप भी नॉलेज में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ठीक है, आपसे और बाकी स्टूडेंट्स का फ़ायदा ही होगा और आपके अच्छे एमसीक्यूज हम कवर करेंगे। ठीक है, ITC of IGST can be utilized for payment of D. First IGST, then CGST and SGST. For the purpose of GST law, territory of India shall taken to cover GST के लिए इंडिया कहाँ तक? Sea area up to 12 nautical miles, area up to 200 nautical miles, airspace above territory and territorial, yeah, all up above. All of above. ठीक है, which of the following type of GST is payable on interstate supply of goods and services? बहुत ही सिंपल है, D. हाँ, question number 25. Which of the following is not the role of GSTN in GST regime? हाँ, GSTN अभी मैं वैसे तो आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, ओके, रजिस्ट्रेशन चैप्टर में, पर कौन सा रोल GSTN पोर्टल का नहीं है? ओके, प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म फॉर लिटिगेशन, मतलब यहाँ पे प्रोवाइडिंग जो प्लेटफॉर्म है फॉर क्या? लिटिग, इसके लिए कोर्ट होता है, यानी तुम्हारे लिटिगेशन सॉल्व करने के लिए GSTN पोर्टल नहीं होगा, क्या होगा बेटा? कोर्ट होगा। ओके, तो ये कवर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट, ऑफिसर अंडर SGST एक्ट शैल बी डीम्ड टू बी द ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर इनकम टैक्स एक्ट, कस्टम एक्ट, CGST एक्ट एंड नन ऑफ अबव। नहीं नहीं नहीं, SGST एक्ट के ऑफिसर कौन रहेगा? इनकम टैक्स के हो गए, कस्टम के हो गए, CGST हुए, नन ऑफ अबव। तो बेटा अभी VAT डिपार्टमेंट के ऑफिसर SGST में कन्वर्ट हुए हैं, ये समझा है नहीं समझा? ओके, एक मिनट, ऑफिसर अंडर SGST एक्ट शैल बी डीम्ड टू बी द ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर, हाँ सही है, एक मिनट एक मिनट, CGST आएगा, बराबर है, क्योंकि CGST एक्ट में जो ऑफिसर्स की हिरारकी है, बराबर है, CGST ऑफिसर्स की हिरारकी है, उसमें दोनों को पावर है, CGST एज वेल एज SGST, तो CGST आएगा। ऑफिसर अंडर विच एक्ट शैल बी डीम्ड टू बी ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर द CGST एक्ट, तो क्या एक्साइज, ओके, यहाँ पे सेंट्रल एक्साइज एक्ट के ऑफिसर्स जो है ये यहाँ CGST के ऑफिसर माने जाएंगे। The officer appointed under which of the following act are authorized to be the proper officer for the purpose of CGST Act? Both, CGST के both, Union Territory and B both, NSC, or last, the commissioner may, subject to such conditions and limitation as may be specified in this BR by him, delegate the power. Okay. Any other officer who is subordinate to him, any other officer who is senior to him, okay, A and B or none of above, तो इसका आएगा बेटा subordinate officer को, वो अपनी power delegate कर सकता है। चलो ये कुछ, okay, ये blank space रखिए, आपको अगर कोई MCQ questions जो है अच्छे लगे तो आप उसमें cover भी कर सकते हो। यह हमारा पहला चैप्टर एंड होता है। हाँ, अब जो है मेन, वेल, चार्ज ऑफ टैक्स एंड कंसेप्ट ऑफ सप्लाई, बिफोर गोइंग अहेड मैं थोड़ा रिवाइज कर दूं आपको, आपका ध्यान चाहोगा, थोड़ा रिवाइज कर देता हूं, आपका ध्यान चाहोगा। यहां बेटा सॉन्ग रिवीजन में थोड़ी आते हैं सॉन्ग, चार्ट वन जो आपको प्रिंटेड मिलेगा, पर बेटा मैं यही कहूंगा कि बनाओ,
बनाने के लिए अगर आपको हेल्प चाहिए तो नीचे आप मेरे ऑफिस में कह सकते हो, या मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि भाई चार्ट रेफरेंस के लिए बताओ कैसे बन सकता है। आईपीसी के यानी सीए इंटर के 400 बच्चों ने, आप देख रहे होगे शीट उनके पास है, ओके मैं चार्ट बनवा के ले रहा हूँ, उनको तो मैं डंडे मारता हूँ आपको, इसलिए क्योंकि मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आपका रात का 9-10 बजे तक क्लास होता है, उसके बाद भी अगर आप बना सकते हो तो ज़रूर बनाओ, टाइम मिलता है तो ज़रूर बनाओ, बहुत हेल्प होगी। ओके तो नाउ अभी मैं थोड़ा रिवाइज करके देता हूँ सप्लाई। ओके सब हमने लेवी और इसमें पढ़ा था, चार्जिंग सेक्शन था कौन सा बेटा, 9 में अगर आपको याद होगा तो इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट सप्लाई, चार्ट का अरेंजमेंट बहुत अच्छे से बनाया हुआ है, इंट्रास्टेट या इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ क्या, गुड्स और सर्विसेज, ये चार्ज होगा। उसके बाद में आपको याद होगा तो 3 पार्ट थे, कलेक्शन एंड पर्सन लाइबल टू पे, कुछ याद आया आपको, पर्सन लाइबल टू पे। उसके बाद में अगर हम, हाँ मैंने क्या किया ये चार्ट में, जहाँ इंट्रास्टेट इंटरस्टेट था वहीं मैंने IGST एक्ट का प्लेस ऑफ सप्लाई का कंसेप्ट अटैच किया चार्ट में। ओके यानी पूरा प्लेस ऑफ सप्लाई इतने टेबल में कंप्लीट हो जाता है, वो जो मैं प्लेस ऑफ सप्लाई के चैप्टर में लूँगा। नौ बेटा सप्लाई, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, 2 मिनट में आपको बता दूँ, गुड्स मतलब एनी, फटाफट 5 मिनट में रिवाइज कर लो, गुड्स मतलब एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, सर्विस मतलब एनीथिंग अदर दैन गुड्स, क्या एक्सक्लूड होगा, मनी एंड सिक्योरिटीज, गुड्स में क्या इंक्लूड होगा, एक्शनेबल क्लेम्स एंड ग्रोइंग क्रॉप एक्सेट्रा, सर्विस में क्या इंक्लूड होगा, तो सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज फॉर क्या, यूज ऑफ मनी, कन्वर्जन ऑफ मनी, और इसमें एक एडिशन आया है, ये मैं पुराना चार्ट रेफर कर रहा हूँ पर इसमें एक एडिशन आया है आपको याद होगा तो। ओके फैसिलिटी, ओके या अरेंजमेंट फॉर सिक्योरिटीज, वो आपको अपडेट होके आ जाएगा चार्ट में, इज इट क्लियर। ओके नाउ नेक्स्ट सप्लाई, सप्लाई के 2 पार्ट आपको याद हो गए तो, सप्लाई इंक्लूड्स एंड सप्लाई एक्सक्लूड्स। ओके सप्लाई इंक्लूड्स में अगर आपको याद होगा तो विथ कंसिडरेशन एंड विदाउट कंसिडरेशन, विथ कंसिडरेशन में आपको याद होगा तो 71A 71B, 71A ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई सच एज, क्या बेटा सच एज सेल ट्रांसफर बार्टर एक्सचेंज लीज रेंटल डिस्पोजल मेड और अग्रीड टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस बिजनेस। ओके तो कंसिडरेशन मतलब क्या, तो कंसिडरेशन नीचे वहीं देखो उसको अटैच कर लिया, व्हाट डू यू मीन बाय कंसिडरेशन, अटैच कर दिया वहीं, कंसिडरेशन मतलब मनी अदरवाइज या एक्ट और फॉरबियरेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ इन रिस्पॉन्स टू और फॉर इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई, 2 बातें कंसिडरेशन में नहीं आएंगी, कौन सी 2 बातें, सब्सिडी एंड डिपॉजिट्स, सब्सिडी एंड डिपॉजिट। बिजनेस 9 एक्टिविटी बिजनेस की मानी जाएगी, आपको याद है जनरल एक्टिविटी एंड स्पेशल एक्टिविटी, GST में स्पेशल एक्टिविटी बिजनेस की मानी जाएगी, यहाँ 9 एक्टिविटीज मैंने दिया है। नाउ उसके बाद में 71B इम्पोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इवन मैंने चार्ट में चार्ट बना के दिया है, मतलब ये इम्पोर्ट, ये चार्ट किसका है बेटा, इधर आपको पता है शेड्यूल 1 में पैराफोर आता है, पैराफोर इम्पोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम रिलेटेड पार्टी, और यहाँ इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, इन दोनों का एक चार्ट, इन दोनों का क्या अगर आपको याद होगा तो चलो ठीक है मैं यहाँ आ जाता हूँ फिर आपको कनेक्ट करके देता हूँ। 71B में तभी इम्पोर्ट ऑफ सर्विस सप्लाई माना जाएगा अगर वो फॉर कंसिडरेशन होगा, कुछ याद है ना, फॉर कंसिडरेशन होगा वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। अब शेड्यूल वन में ओके 4 पैराज है, पहला परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट ऑन विच ITC हैज बीन टेकन, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बिटवीन रिलेटेड पर्सन एंड डीम डिस्टिंग पर्सन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, इवन मैंने रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन भी साइड में ले ली चार्ट में, हु शुड बी द रिलेटेड पर्सन, इज इट क्लियर। ओके तो रिलेटेड पर्सन कॉमन डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स लीगली रिकग्नाइज एज अ पार्टनर्स एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, कुछ याद है आपको। नाउ नेक्स्ट एनी थर्ड पर्सन होल्डिंग मोर देन 25% स्टेक इन बोथ ऑफ देन, वन कंट्रोल द अनादर टूगेदर द कंट्रोलिंग थर्ड पर्सन, ओके या मेंबर ऑफ सेम फैमिली और सोल डिस्ट्रीब्यूटर एंड सोल कंसेशनर। अब नाउ रिलेटेड पर्सन या डीम डिस्टिंग पर्सन को दिया तो सप्लाई माना जाएगा स्टॉक ट्रांसफर पे, और एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को अप टू 50,000 इन अ फिनेंशियल ईयर गिफ्ट दे सकता है, कुछ याद है आपको। उसके बाद में नेक्स्ट सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू एजेंट,
एन एजेंट टू प्रिंसिपल। नए चार्ट में नोट ऐड हो जाएगी, कौन सी नोट ऐड होगी, तो नए चार्ट में क्या, अगर एजेंट खुद का इनवॉइस बना रहा है, कम ऑन, क्या एजेंट अगर खुद का इनवॉइस बना रहा है तो वो सिचुएशन में वो वही एजेंट पैरा थ्री में कवर किया जाएगा। इज इट क्लियर? उसके बाद में डीम डिस्टिंक्ट पर्सन, इवन मैंने डीम डिस्टिंक्ट पर्सन को भी नहीं छोड़ा चार्ट में कि व्हेन टू से डीम डिस्टिंक्ट पर्सन, सेम स्टेट में मोर देन वन रजिस्टर्ड पर्सन, या डिफरेंट स्टेट में, या फिर एक स्टेट में रजिस्टर्ड है और एक स्टेट में अनरजिस्टर्ड है, पर दूसरे स्टेट में वो भी डीम डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे। ओके, तीसरा फोर्थ इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, हाँ फोर्थ पैरा क्या था, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट, बोले ना, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन फ्रॉम रिलेटेड पर्सन या यूर एस्टेब्लिशमेंट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, और उसका चार्ट भी मैंने यहाँ पे दिया है। फिर ये तो सप्लाई का कंसेप्ट हुआ, फिर एक्सक्लूड क्या होगा, सप्लाई में एक्सक्लूड एम्प्लॉयर। ओके, अब टोटल 8 एंट्रीज आ चुकी है अमेंडमेंट के साथ, बताओ कौन सी 8 एंट्रीज आई है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का झगड़ा हुआ है, मतलब सर्विस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट। ओके, प्री मैच्योर टर्मिनेशन इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट माना जाएगा, पर नॉन कॉम्पिट फीस इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट नहीं माना जाएगा। दूसरा कोर्ट फीस, तीसरा एमपी एमएलए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट या गवर्नमेंट पोस्ट पे लगाया गया। ओके, नेक्स्ट क्या था, फ्यूनरल ब्यूरल क्रिमिटोरियम ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट क्या था, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एक्सेप्ट इंटेंडेड फॉर सेल, क्लॉज बी पैरा फाइव। उसके बाद में क्या था, एक्शनेबल क्लेम एक्सेप्ट लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग। उसके बाद क्या था, बाहर के बाहर सप्लाई कर दिया गुड्स को। ओके, और एक वेयर हाउस के पहले सप्लाई हो गया, वेयर हाउस से क्लियर होने के, और एक कस्टम क्लियरेंस के पहले सप्लाई हो गया, तो ये सप्लाई नहीं माना जाएगा। ओके, इतनी एंट्रीज थी। फिर शेड्यूल 7(1)(a) कुछ याद है आपको, 7(1)(a) ऊपर जो भी सप्लाई होगा, पहले सप्लाई होना चाहिए, और 7(1)(a) बी और सी में सप्लाई होगा तो वो क्लासिफाई किया जाएगा एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स और एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, कुछ याद है आपको। नाउ पैरा टू, पैरा टू क्या काम करता है बेटा, क्लासिफिकेशन, सेवन सॉरी पैरा टू नहीं, शेड्यूल टू, शेड्यूल टू प्रोवाइड 7 पैरास। चलो फटाफट फटाफट बताओ, पहला पैरा ट्रांसफर ऑफ गुड्स, ट्रांसफर ऑफ गुड्स में टाइटल जा रहे होगे तो गुड्स, फ्यूचर टाइटल हो गए तो गुड्स, राइट जा रहे होगे तो सर्विस, अनडिवाइडेड शेयर जा रहा होगा तो सर्विस। यस, कम ऑन कम ऑन, ठीक है। दूसरा लैंड एंड बिल्डिंग, ओके, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग पे तो नहीं आता है, पर लीज इजीमेंट टेनेंसी वगैरह होगा तो सप्लाई ऑफ सर्विस। उसके बाद में ट्रीटमेंट और प्रोसेस, किसी और ने कोई गुड्स दिया और मैं कोई भी ट्रीटमेंट और प्रोसेस किसी और के गुड्स पे कर रहा हूँ, इसके ऊपर कोई आपको याद होगा तो इसके ऊपर ट्रेंडिंग टायर्स, अरे याद है ना। ओके, ऐसे कुछ क्वेश्चंस भी थे, मैं कितना भी अपना गुड्स लगाऊं तो भी मेन गुड्स किसी और का है, तो इसलिए वो सप्लाई ऑफ सर्विस करवाना जाएगा। इज इट क्लियर? इसमें प्रिंटिंग वाला भी एग्जांपल लिया था, कुछ याद है आपको। ओके, मतलब जब आप चार्ट बनाओ ना, मैं इतना कॉम्प्रिहेंसिव चार्ट चाहता हूँ ना आपसे, कुछ लोग बनाते हैं यार, मुझे व्हाट्सअप भी करते हैं। ओके, कि भाई यहाँ पे फिर यहाँ एक छोटी सी चीट अटैच कर दी, कौन सा क्लैरिफिकेशन पढ़ना, कौन सी केस पढ़ना, क्वेश्चन यार के कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम पढ़ना, यानी ये चार्ट ओपन किया कि आपको पता है बहुत, एक महीने पहले आप इतने स्पेसिफिक होने चाहिए कि क्या पढ़ना। अगर एक महीने पहले आप वो लेके बैठे ना, इतनी बड़ी बड़ी बुक्स, इतने बड़े बड़े मॉड्यूल्स, तो नहीं हो, आपका सिलेबस नहीं होता है। बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक चाहिए आप कि आपको कहाँ से क्या रीड करना है, तभी आप 8 सब्जेक्ट्स मैनेज कर सकते हो, अदरवाइज नॉट। क्लियर? ओके, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट परमानेंट होगा, इफ देर इज अ परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट देन इट इज कॉल्ड एज सप्लाई ऑफ गुड्स, टेम्पररी होगा तो सप्लाई ऑफ सर्विस। इफ यू सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, डू यू रिमेंबर डी रजिस्ट्रेशन, देन ऑल डीम टू बी सप्लाइड अनलेस इट इज अ गोइंग कंसर्न कंटिन्यूड बाय एनी पर्सन और बाय यूर रिप्रेजेंट। बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वॉट इज इंपॉर्टेंट हियर, ओके, आई एम नॉट अग्री विद दिस क्लॉज, ओके, बट इन एग्जाम यू हैव टू फॉलो। ओके, नाउ नेक्स्ट, ओके, some contract always stated as supply of service, come on, I need your attention, if you have not read at home, okay, you never open your book, this also moment which at which you can capture it, okay, you can, if you give your 100% attention, come on, I need that. Okay, so now renting of immovable property, second construction intended for sale, but if entire consideration after completion certificate or first occupancy, whichever is earlier. So your cutoff point, completion of first occupancy, and if entire consideration after completion certificate, then GST is not payable. But if you received 1 rupee before that, then
ओके जीएसटी इज पेएबल टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बट रिमेंबर दैट चार्ट ओके टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ आईपीआर देन सर्विस बट परमानेंट ट्रांसफर गुड्स डू रिमेंबर देन डेवलपमेंट डिजाइनिंग प्रोग्रामिंग एडॉप्टेशन एंड एक्सेट्रा ऑफ क्या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर अगेन दैट चार्ट ओके सो यूर रिमेंबरेंस लेवल शुड बी ऑफ दैट पॉइंट होना चाहिए कि वंस If you keep that chart in front of you, you will okay remember all those pictures, charts already I have given in your regular notebooks, including questionnaires also. Okay, तो आपने पढ़ाई की बेटा पढ़ाई मतलब ये नहीं है कि किताब ओपन कर दी और जस्ट आज कितने पेजेस पढ़े इतनी इतनी फास्ट कनेक्टिविटी होनी चाहिए आपकी नेक्स्ट बेटा यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर का इफ यू रिमेंबर देन इन दैट केस प्री पैक सॉफ्टवेयर डू यू रिमेंबर दैट प्री पैक सॉफ्टवेयर देन सप्लाई ऑफ गुड्स कस्टमाइज सॉफ्टवेयर सप्लाई ऑफ सर्विस लाइसेंस सॉफ्टवेयर सप्लाई ऑफ सर्विस ओके देन रिफ्रेनिंग एंड टॉलरेंस ऑल्सो सप्लाई ऑफ सर्विस ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज द गुड्स इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस टू कंपोजिट कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द गुड्स इन्वॉल्व कम ऑन two composite contract in respect of the goods involved or services involved okay it always treated as kya supply of service don't apply section 8 which is the principle okay which is the principle so now works contract and second kya restaurant and catering and para 7 that unincorporated AOP giving goods to its member called as supply of goods next composite supply see how I arrange here okay but this arrangement It was my plan. Okay, मैं चाहता हूँ हमारा होना चाहिए तुम भी बनाओ मेरे साथ अपनी लेवल मैच करो रेडी मत लो ये समझ में आया क्या तो नाउ सेक्शन 8 कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई फर्स्ट क्लास ओके सेक्शन 8 रिजोल्व टू थिंग्स नेचर ऑफ सप्लाई एंड क्या रेट्स फर्स्ट अगर वो कंपोजिट सप्लाई होगा तो एंटायर नेचर ऑफ सप्लाई is of kya principle and if it is a mixed supply then entire bundle nature of supply is of highest rate fir wo pure kit mein shampoo kyun na ho maine pictures bhi use kiye so that notes se yaad aa jaye aapko are hai na notes se yaad aa jaye to shampoo agar wo shampoo ka highest rate hoga okay that shampoo okay having highest rate then entire kit in the nature of shampoo classifiable highest rate okay the meaning definition of composite supply and mixed supply okay so which I have covered here okay if you remember one case specially I discussed with you ki in case of mixed supply for a bundle single price is given then highest if separate prices are given then don't make it highest in case of kya mixed supply but for composite supply irrespective you are charging separately or compositely do you remember that separately or compositely okay it is classifiable under the principle supply even some illustration I have taken okay so this is about the concept of supply charging section let's start okay so chapter 2 Around 72 questions, which is subject to case study and practical questions, including MCQ, RTP, and etc. And 92 questions, RTP questions. Sorry, MCQ questions. Enough for practice. And as you have seen, if you directly start to read questionnaires, more than enough. More than enough. First, fatafat, explain the applicability of CGST, IGST Act. Whether the Act also extend to state of Jammu and Kashmir? Yes. Whole of India, including kya? Jammu and Kashmir. And for Jammu and Kashmir, kab se applicable hua? 8 July. Underline. Kuch underline karo, So, yahan pe next. Define the taxable territory and non-taxable territory. India is taxable territory. And place beyond India is
नॉन टैक्सेबल टेरिटरी. चलो नेक्स्ट केस स्टडी. नितिन लिमिटेड प्रोवाइडेड सर्विसेज टू जगत ऑयल कॉर्पोरेशन फ्रॉम वेसल्स लोकेटेड इन कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ प्रोस्पेक्टिंग नेचुरल गैस. स्टेट ब्रीफली वेदर गुड्स एंड सर्विस टैक्स शैल बी लेविड. एक मिनट, कहाँ सर्विस दिया है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ. ओके, सो हाउ टू प्रेजेंट दिस आंसर. ओके, फर्स्ट सेक्शन 7. ओके, गुड्स एंड सर्विस टैक्स शैल अप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया इन अ टैक्सेबल टेरिटरी. प्रेजेंटेशन, सी द प्रेजेंटेशन. सेकेंड, इन डेफिनेशन ऑफ इंडिया. Do you remember? Okay, huh? India. India includes continental shelf. Hence, last conclusion of our case study. So, your patent should be legal provision first. Okay, so I have started legal provision ki where GST law is applicable in a taxable territory. Taxable territory includes kya? India. Definition of India includes continental shelf. Okay, but if you don't have a time and you have to this question only for 2 marks, so directly start from India. To decide the length of your answer on the basis of marks allotted. Maturity behavior, behave like a matured person, not okay, cut, copy, paste, chap diya. Okay, change your answers accordingly. Now, what is taxable event under kya? GST. Taxable event under GST. Kya beta? इन क्या सप्लाई है ना, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इट मे बी इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट. नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स एंड आवर सर्विसेज इज टैक्सेबल अंडर जीएसटी. डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ द स्टेटमेंट. एक मिनट, हाँ, सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स एंड आवर सर्विसेज इज टैक्सेबल. मुझे बताओ, ऑल गुड्स आर टैक्सेबल और सम गुड्स आर एक्सक्लूडेड? हाँ, विच गुड्स आर एक्सक्लूडेड? Like alcohol, petrol, diesel, a supply of these goods are excluded. There is no levy of GST. Is it clear? Okay, so this see, intentionally I have taken this question of ICAI material because the first thought in comes in your mind ki no, all goods are taxable. No, all goods are not under the purview of GST. Some goods are excluded. So this statement is kya? Incorrect. Now CA final November 2017, the question is very easy. What do you mean by intrastate and interstate supply? Do you remember LOS and POS? Kuch yaad aa raha hai? If location of supply in one state and place of supply in another state, then interstate. If both are in same state, then intrastate. Okay. See, I will read only that questions which you find difficult. Or that question is complex or critical. Theek hai. Otherwise, we will mutually do the discussion aur aage badhenge. Theek hai. Now, Mr. R, a businessman located in Mumbai, procure goods from a trader located in kya? Nagpur. Determine nature of supply. Thank you. Kya hai? Interstate ya intrastate supply? Intrastate supply. Okay. Mr. Z, a businessman located in Pune, Maharashtra, procure goods from the trader located in kya? Goa. Interstate supply. Ha, next question important for fast track questionnaire course. Okay, question number 8. Okay, R exports and supplies to SEZ unit developer out of the ambit of GST? Ha? There is no GST on export, na? GST is leviable. It is stated as interstate supply. Are you here? Do you remember that pictures of SEZ? Look, it. नहीं याद आ रहा था. अच्छी नहीं याद आना मतलब सबसे best है. अब जब याद ही नहीं आ रहा तो करें क्या? अरे यार, ये सबसे best है. Okay, तो यहाँ पे yes, first of all. GST, okay, export transaction, import transaction or SEZ supplies under the purview of kya? GST. IGST is payable, but you can take a zero rate benefit under section 16 of IGST Act. As a paper checker, I will expect this section, section 16. See, a paper checker having 15 minutes to check one paper. Now, it's on you. It's upon you, okay, how you project your answer, how you present your answer
which statement you are going to underline, okay, so that he can see easily and give the marks. So ये इसमें मैं कचरा कुछ भी नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ एक लाइन देखूंगा, who have used the पहली लाइन no and who have used section 16. Sir, if we don't remember section, then at least underline it is interstate supply, subject to IGST, but zero rate benefit is available. Now question here, ki, sir, if any question is asked on definition, then whether our own words allowed? Yes. For example, definition of composite supply. In composite supply, don't go word by word, two or more taxable supply. You can create also points. Naturally bundled, supplied in conjunction with two or more taxable supply and one of the kya, principal supply. So it's not necessary. Okay. So in final level, normally they don't ask definition. And if any definitions comes, then definitely you can write your own words. But you have to cover all points. Aapko sabhi points cover karne hai. Now next, when does a particular activity attract GST? Explain the scope. When does the particular act? अच्छा वो repeat हो गया, repeat हो गया. Scratch कर दो. Yeah. Now, yes, come on, फटाफट बताओ. GST कब आएगा? Section 9, charging section, supply of goods. अरे कुछ याद आया क्या? Okay, so all form of supply by way of kya? Sale, transfer, barter action made or agreed to be made for consideration in the course of business plus import service plus schedule. But if you remember, clause D is deleted. Okay, and new section 71A is introduced. Okay, that is the amendment. Theek hai. Question number 10. Again a subjective question, whether transfer of title and possession is necessary for transaction in constitute a supply of goods. Now my question, very important, and I have taken from ICAI material, and important question, star karna, whether transfer of title and or possession is necessary for transaction to be constitute a supply of goods. Is it necessary that I should transfer, okay, I should give possession of the goods? I should give title of the goods for treating supply. If you analyze section 71A properly, I repeat, kisi ne agar nahi padha hoga to abhi bhi dhyan de de. Main wo line by line revise kar raha hu. Theek hai? If you see that section 71A, aur isko hi padhai kehte beta. Padhai se matlab book read karna nahi hota hai. Ek hi para ko alag 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 angle se padhna. एक ही पैरा को अलग अलग एंगल से, और ये आपके लिए तभी पॉसिबल है जितने आप मैक्सिमम क्वेश्चंस रेफर करोगे, पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस एंड आरटीपी. अगर आप ये सोच के चल रहे कि आपकी पढ़ाई मतलब सिर्फ बुक कंप्लीट करना, तो आपके जितना बेवकूफ और कोई नहीं है. इसलिए अगर आपके प्रिविजन भी करना हो, आंसर देख के करो. मैं ये सजेस्ट करता हूँ, डोंट ट्राई टू प्रेशराइज योर मेमोरी that it should remember each and everything. Okay, try to analyze the answers in different manner, from different perceptions. See the questions. Okay, मैंने आपको बताओ, मैंने एग्जाम के एक घंटे पहले तक भी अपने दिमाग को तकलीफ नहीं दिया था इस बात की कि मुझे याद रहना चाहिए. हाँ, पर मैंने ये बहुत प्रैक्टिस की थी कि भाई एक ही चीज को अलग अलग क्वेश्चंस में कैसे पढ़ना, और वो आंसर्स देख के पॉइंट्स कैसे फिक्स करना. मैं पढ़ता था, फिर हाँ अच्छा इंस्टीट्यूट पहले पैराग्राफ में ये पॉइंट चाहती है, फिर सेकंड पैराग्राफ में ये पॉइंट चाहती है. तो धीरे धीरे मुझे वो मेरे माइंड ने वो रूटीन, सॉरी रूटीन नहीं कहूँगा, वो टेक्निक ही डेवलप कर ली थी. यानी इसके बाद में जब मैं पढ़ता था ना, यानी मैं एक महीने में ऑडिट इसलिए कंप्लीट कर पाया क्योंकि जैसे ही मैं पढ़ता था मेरा माइंड बराबर वो कैच करता था कि फर्स्ट पैराग्राफ में क्या होना चाहिए, सेकंड पैराग्राफ में क्या होना चाहिए. ये टेक्निक आपको डेवलप करनी पड़ेगी, और ये टेक्निक तभी डेवलप हो सकती है जितने ज्यादा आप क्वेश्चन आंसर्स देखोगे और ये एनालाइज करोगे. मेमोराइज मत करो, सिर्फ देखते जाओ, आंसर्स को देखते जाओ, क्या चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए.
कॉस्टिंग से अगर कॉस्टिंग का प्रॉब्लम देख रहे हो तो कॉस्टिंग में भी अच्छा ये वो मत कोशिश करो कि मैं कैसे सॉल्व, ये करो अच्छा ये इसको इसलिए ऐसा टेबल बनाया गया क्योंकि कॉस्टिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से। अभी चलो ठीक है, अभी तो नए सिलेबस में बहुत सा थ्योरेटिकल आ गया इसलिए उसका ज़्यादा टेंशन नहीं है। ओके, तो मैं यही कहूँगा, तो यहाँ पे ये जरूर देखो, जैसा अभी ये मैंने पहले पैराग्राफ में 7-1-A का रेफरेंस लिया, 7-1-A का रेफरेंस क्यों लिया होगा, एक मिनट, ये कैपिटल 1A नहीं चाहिए, इसको थोड़ा करेक्ट कर लो, 7-1-A ऐसा लेना, 7-1-A का रेफरेंस लिया, ठीक है। तो यहां पे क्वेश्चन समझने की कोशिश करना, थोड़ा मैं 2 मिनट का टाइम ले रहा हूं, कि बहुत से ऐसे सप्लाई है जैसे जिसमें टाइटल नहीं दिया जस्ट ट्रांसफर किया तो भी सप्लाई माना जाता है, इंपॉर्टेंट कंडीशन है ट्रांसफर फॉर कंसिडरेशन। उसके बाद में स्टॉक ट्रांसफर भी, और स्टॉक ट्रांसफर में आपने कहां टाइटल दिया, अपनी डीम डिस्टिंग पर्सन को, अपने रिलेटेड पर्सन को, पर सप्लाई माना गया है। परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट ऑन विच ITC टेकन, मैंने किसी को कोई टाइटल नहीं दिया, इज इट क्लियर। तो नाउ सप्लाई के लिए सप्लाई का स्कोप है सेल ट्रांसफर बार्टर एक्सचेंज लीज रेंटल डिस्पोजल फॉर अ कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, डज एनी ट्रांजेक्शन विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स ऑल्सो ट्रीटेड एज क्या, सप्लाई, इफ ऑल दीज कंडीशन आर फुलफिल्ड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, स्टेट द इंपैक्ट ऑफ अमेंडमेंट ऑफ CGST एक्ट टू सेक्शन 7 आफ्टर इंसर्शन ऑफ सबसेक्शन 1A, 7-1A बताओ, फटाफट बताओ, 7-1-1A आने के बाद इंपैक्ट क्या हुआ, अब 7-1A क्या था पता है क्या, क्लॉज डी रिमूव किया, कुछ याद आया क्या, और मैंने शेड्यूल 2 का स्कोप, पहले शेड्यूल 2 का जो स्कोप था हाँ पहले शेड्यूल 2 में कोई एक्टिविटी आती थी तो उसे भी सप्लाई माना जाता था, ये बात समझे क्या, उसे भी सप्लाई माना जाता था, लेकिन अब शेड्यूल 2 का रोल क्या रह गया, जस्ट फॉर क्लासिफिकेशन, ये इंपैक्ट हुआ 7-1A आने के बाद। नेक्स्ट चलो फटाफट, स्टेट द टाइप्स ऑफ सप्लाईज अंडर द GST लॉ, अलग अलग टाइप के सप्लाई होते हैं, टैक्सेबल सप्लाई, एग्जम सप्लाई, इंटरस्टेट, इंट्रास्टेट, कंपोजिट, मिक्स एंड जीरो रेटेड सप्लाईज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सप्लाईज आर देयर, डिफरेंशिएट बिटवीन टैक्सेबल सप्लाई एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाई, बताओ क्या है, बिना देखे बताओ, आई नीड दैट मैच्योरिटी यार एट दिस स्टेज, यस, टैक्सेबल मतलब ऑन विच लेवी इज देयर, द नॉन टैक्सेबल मतलब देयर इज नो लेवी ऑफ GST, डेफिनेशंस दोनों के, एग्जांपल क्या है टैक्सेबल सप्लाई के, ऑल गुड्स एंड सर्विसेस, अच्छा टैक्सेबल सप्लाई ऑल्सो इंक्लूड्स क्या, नील रेट सप्लाई, एग्जम सप्लाई, अरे है ना, पर नॉन टैक्सेबल सप्लाई के एग्जाम्पल क्या है, पेट्रोल डीजल वगैरह, ठीक है। उसके बाद में नील रेट जीरो, अच्छा जीरो रेट सप्लाई मतलब एग्जम सप्लाई बेटा, हाँ जीरो रेट सप्लाई मतलब एग्जम ना, क्या फिर क्या होता है, टैक्सेबल बट एक्सपोर्ट इंसेंटिव इज अवेलेबल, कुछ याद आ रहा है आपको, अंडर सेक्शन 16 ऑफ क्या IGST एक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, डिस्कस वेदर फॉलोइंग एक्टिविटी कॉन्स्टिट्यूट सप्लाई इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 7, फटाफट बताना सप्लाई की नहीं है, मिस्टर राज सोल्ड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट टू XYZ कंपनी, सप्लाई है, सेल ही है सीधा सीधा, आर्या प्राइवेट लिमिटेड एंटर इनटू हायर परचेस एग्रीमेंट, हायर परचेस एग्रीमेंट सप्लाई है, ट्रांसफर फॉर कंसिडरेशन, अभी टाइटल नहीं दिया पर ट्रांसफर फॉर कंसिडरेशन है, और इसे सप्लाई ऑफ गुड्स, अगर आप इसके साथ शेड्यूल 2 भी लिखो तो अगर फ्यूचर टाइटल जा रहा है तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, तो उसका भी रेफरेंस दे रहे हैं। नेक्स्ट, आशा परचेस LED TV 24 इंचेस फ्रॉम सोनी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स एंड इन रिटर्न गिव अवे ओल्ड, एक्सचेंज हुआ, सप्लाई माना जाएगा, यस। VB एसोसिएट CA फर्म अपॉइंटेड मिस्टर ऊर्जा एज इंटीरियर डेकोरेटर डिजाइन इट्स ऑफिस आउटलेट इन एक्सचेंज ऑफ सर्विस, अगेन एक्सचेंज हुआ, सर्विस का एक्सचेंज हुआ,
एज वीबी एसोसिएट इंटर टैक्स कंप्लायंस सर्विस टू ऊर्जा, क्या ये भी सप्लाई माना जाएगा? यस, और ये तो दोनों का सप्लाई माना जाएगा। आई रिपीट, ये दोनों। मैंने ये पढ़ाया था आपको, याद होगा एक पिक्चर, तो कार दी थी सलमान खान ने, बाइक दी थी शाहरुख खान ने, एक पिक्चर लिया था एक्सचेंज का। ओके, एक्सचेंज का पिक्चर लिया था मैंने बुक में, जाने दो वो, जाने दो। पर दोनों पे जीएसटी आएगा इफ इट इज इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। उसके बाद में मिसेस भारत इलेक्ट्रॉनिक डिस्पोज स्क्रैप पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक यूनिट टू अ स्क्रैप डीलर। स्क्रैप देना क्या स्कोप आता है जीएसटी में? स्क्रैप पे जीएसटी आता है? नहीं ना, नहीं आता है ना बेटा, स्क्रैप पे जीएसटी थोड़ी आएगा। नालायक गुड्स, कोई भी गुड्स पे जीएसटी आता है। और गुड्स मतलब क्या? एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो स्क्रैप पे जीएसटी आएगा ना? हाँ, हमने तो रद्दी को नहीं छोड़ा था, पेपर की रद्दी याद आ रही है आपको? इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, इसलिए जान मुझे पता है 100 में से 5 मिल जाएगी जो बोलेंगे नहीं नहीं फिनिश गुड्स पे आता है जीएसटी। हाँ, तो बेटा वो 5 के लिए ये क्वेश्चन है, कोई भी गुड्स होगा तो जीएसटी आएगा। नेक्स्ट सप्लाई बियर शैम्पू, बता रहे हाँ, बियर शैम्पू क्या? अरे बियर शैम्पू है, जीएसटी आएगा ना, क्योंकि वही अल्कोहल एक्सक्लूड जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है, हाँ पीने के लिए है। ओके, रुक जा रहा थोड़ा यहां पे, जब तक इसके 50 क्वेश्चन नहीं होते ब्रेक नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 16, डिफाइन पर्सन सप्लायर रिसिपिएंट, डेफिनेशन आपने हैंडल कर लेना। मतलब मेरा यह कहना है कि आप रेगुलर बुक नहीं भी पढ़ो तभी सब कवर किया है मैंने, इंक्लूडिंग ऑल डेफिनेशंस। समझ में आया ना? हाँ, एक्सप्लेन डीम डिस्टिंग पर्सन, क्या है बेटा डीम डिस्टिंग पर्सन? 25-4, 25-5, कुछ याद आया क्या? 25-4 मोर देन वन रजिस्टर इन सेम स्टेट और डिफरेंट, और 25-5 वन रजिस्टर एंड अनरजिस्टर्ड इन डिफरेंट स्टेट्स, डू यू रिमेंबर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, स्मार्ट प्राइवेट लिमिटेड हैज हेड ऑफिस लोकेटेड इन बैंगलोर कर्नाटका, हैव अ ब्रांच ऑफिस स्मार्ट प्राइवेट लिमिटेड लोकेटेड इन स्टेट ऑफ गुजरात, विल दे फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ डीम डिस्टिंग पर्सन? यस, डिफरेंट स्टेट है ना रजिस्टर्ड, तो डीम डिस्टिंग पर्सन। श्रेया लिमिटेड हैविंग एस्टेब्लिशमेंट इन गोवा, इट हैज अनदर एस्टेब्लिशमेंट इन यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़, विल दे आर ट्रीटेड एस्टेब्लिश डीम डिस्टिंग पर्सन? यस, क्योंकि एक स्टेट में एक यूनियन टेरिटरी में गोवा है वगैरह। हाँ, क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं। वो मैंने कवर किया है, पर एक्चुअल जब भी डीम डिस्टिंग पर्सन हो तो सेक्शन 25 कवर करना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सेक्शन में जहां पे भी डीडीपी के कंसेप्ट है तो क्या कवर किया, सिर्फ 25 कवर किया है। वो तो मैंने एक एडिशनल आपको पढ़ाते वक्त वो क्वेश्चन क्या है उसका, जस्ट आई विल एक्सप्लेन द वो क्वेश्चन, या द क्वेश्चन कि सर do you remember SBI branch outside India and one other SBI branch in India, they are also treated as different person, but it is as per section 8 of IGST act, but whenever the term DDP comes you must write only section 25, that is also has a status of deemed distinct person. Okay, but under IGST act, okay, in normal case DDP is section 25, deemed distinct person. Now definition of business, you can handle it, 9 activities. Okay, question number 21, just explain whether in the course of business or not. First, determine whether following activities fall under the scope of business. Mr. X Private Limited engage in the manufacture of auto parts for industrial purpose. Manufacture, business, yes. Next, ABC Limited acquire capital goods lying in stock of Mrs. S Limited as a takeover of business of Mrs. S Limited. ABC Limited acquired capital goods lying in stock of Mrs. S Limited as on takeover of business of S Limited. हाँ, ये भी तो in the course of business होगा, ठीक है। Third, ETS Star, हाँ ये important है, ETS Star Adventure Club provide free trekking camp to non-member of the club। मुझे बताओ
एक मिनट, बिजनेस में स्पेशल एक्टिविटी क्लब टू देयर मेंबर फॉर सब्सक्रिप्शन. हियर व्हाट इज द क्वेश्चन? देयर इज अ क्लब एंड प्रोवाइडिंग फ्री सर्विस, प्रोवाइडिंग फ्री सर्विस टू नॉन मेंबर. ओके, सो इवन दो हियर द वर्ड यूज नॉन मेंबर, ओके, बट इट इज कंप्लीट फ्री, नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस. अगर यहां मेंबर भी होता, इट इट वुड हैव इंक्लूड्स क्या मेंबर, बट इफ इट इज अ फ्री विदाउट एनी सब्सक्रिप्शन, आई रिपीट, अगर यहां मेंबर वर्ड भी होता तो भी वो बिजनेस नहीं कहा जाता, क्योंकि बिजनेस ओनली इन अ केस व्हेन क्लब प्रोवाइड द फैसिलिटीज टू इट्स मेंबर फॉर सम सब्सक्रिप्शंस एट कंसिडरेशन. इज इट क्लियर? एंड लास्ट, एडलब इमेजी का चार्जेस 1500 एज एंट्री फीस. डू यू रिमेंबर एंट्री टू प्रीमाइसेस? ऑल्सो डिटेल्स इन द कोर्स ऑफ बिजनेस. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, हाँ, तो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ही होगा ना, इट इज इन द कोर्स ऑफ बिजनेस. देयर क्वेश्चन वेदर इट फॉलोइंग एक्टिविटीज इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और नॉट. फॉर ओके, जस्ट फॉर ओके, वेयर इज द माइक. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू टेक ओवर द बिजनेस विथ कैपिटल गुड्स, it's a supply. We have seen that, okay, in case of amalgamation, merger, transfer, it, okay, whatever the activity you do, it is in the course of supply. In exemption chapter, you will find one exemption, ki if you transfer as a going concern business, I repeat the word kya, as a going concern, then GST is exempted, but it is a supply in the course of business. Okay, now next, question number 22. An individual buys for personal use and after a year sale to a car dealer, will the transaction be a supply? But whether your transfer of personal car is a supply? No, not in the course of business. Next, you can do at home. Next, definition of goods and services also I have covered. No need to explain? Definition of goods and services. Question number 25. State whether following activities will be considered as a supply of service in relation to money in accordance with the GST Act. मतलब जस्ट यू हैव टू एक्सप्लेन वेदर ट्रांजेक्शन इन मनी और नॉट. मिस्टर ए बोरो एन अमाउंट 1,50,000 फ्रॉम वन ऑफ हिज रिलेटिव मिस्टर क्यू एंड एग्री टू रिपे द एंटायर अमाउंट ऑफ अ ईयर. अगेन ट्रांजेक्शन इन मनी, क्योंकि पैसा लेना पैसा देना, गिव एंड टेक ऑफ मनी इज एन ट्रांजेक्शन इन मनी. नेक्स्ट, राज एंटरप्राइजेस नहीं, सॉरी, क्वेश्चन ये है कि वेदर ट्रांजेक्शन विल ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस. ओके, क्वेश्चन है कि वेदर ट्रांजेक्शन इज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस. द फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस बिकॉज ट्रांजेक्शन इज इन मनी अनलेस यू चार्ज इंटरेस्ट. बट इफ यू चार्ज इंटरेस्ट सेपरेटली, देन दैट इंटरेस्ट एलिमेंट ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस. इट इज एग्जम्प्टेड, आई अग्री इट इज एग्जम्प्टेड, बट देयर क्वेश्चन वेदर इट इज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस आर नॉट. ओके, सेकेंड, Mrs. Raj Enterprises applied for loan for SBI Bank against which processing fees and interest is charged. Both are supply of services. Mr. S. exchange INR against purchase of US dollar for which commission is charged. Exchange is transaction in money, but commission is kya? Separate consideration. So there it is a service. Next, define works contract. Padavad valo, define works contract. Building, construction, erection, installation, renovation, repairs, alteration, completion, modification in relation to kya? Immovable property where goods involved. I repeat, where goods involved. Do you remember that? Okay, so important word is immovable property. Okay, and second, goods involved. Okay, now you have to decide following contract or works contract or not. See, works contract has special importance in GST. Why? Because in respect of quantity of goods involved, it always treated as supply of service.
अरे है ना, एंड इट्स टाइम ऑफ सप्लाई, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस. डू रिमेंबर इफ कॉन्ट्रैक्ट इज मोर देन 3 मंथ्स, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस. ओके, सो ऑल दीज थिंग्स ऑलरेडी वी हैव डन. एस्पायर लिमिटेड एंट्री इन टू कॉन्ट्रैक्ट विद बीटा लिमिटेड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर 50 लैक्स एक्सक्लूडिंग टैक्सेस for following activities pertaining to construction of a complex. Determine whether following activity fall under the ambit of kya? Works contract. You just have to decide whether it is a works contract or not. Erection, installation and structural design to the complex which involve material also. First of all, complex immovable property, erection, installation covered under the works contract, and it involve kya? Material. Yes, it is a kya? Works contract. Second, fabrication work relating to structure of complex, no material is involved, then it is not an works contract. What is the important condition to call anything as a works contract? It is on immovable property and goods should be involved. Assembly of unit pertaining to movable property which involve material and goods. I have taken a work of movable property. So in definition of works contract, only kya? It's covered immovable and not movable. Hence, it should not be covered in works contract. And next, tiling, painting work of entire building which involve material. Ye works contract hoga. Now next, define the term consideration. Do you remember that? Okay, see, what was your question, sir? Should we write definition exactly as given? Not necessary. You can also, in point-wise manner, consideration, money, otherwise, or monetary value of act or forbearance. Next, in respect of, in response to your for inducement of supply, two things are excluded. You just have to cover points. You have to just cover points. Okay. Hence, one my suggestion, okay, definitely if you get the time, then you can do that. Suggestion here, ki most of the answers I have taken from suggestates. Might be you will find lengthy answers. Sometimes you will find practically not possible to solve this within 5 minutes, 8 minutes. Okay, but as a teacher and when I am publishing this book, I have to give answers in details. In detail. Do you understand? Okay. So, ab aise case mein, mere bhi ye jo answers diye aur jo maine important kahe, uski bhi समरी बनाना, उसकी भी समरी मतलब कि इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, समरी पॉइंट्स कैसे लिखेंगे, कुछ समझ में आया यहाँ पे? तो एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छा काम किया था, मैं उसका वो जो टेक्निक था आपके साथ शेयर किया. ये इसने बाइंडिंग ओपन कर दी थी क्वेश्चनेयर की और हर पेज के बाद ब्लैंक पेज डाला था और स्पायरल बाइंडिंग किया था उसको. मेरे को बहुत अच्छा लगा उसका कंसेप्ट. उसको स्पायरल बाइंडिंग किया था और हर पेज के बाद उसने पेज डाला था और वो क्वेश्चंस के पॉइंट्स लिखे थे ब्लैंक पेज पे कि भाई ये क्वेश्चन इतना बड़ा है, इसमें याद रखने लायक पॉइंट्स क्या है, कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन में स्पेशल एडजस्टमेंट्स क्या है, ओके, नोट्स शॉर्ट कैसे लिखनी चाहिए. यार मैं बहुत इंप्रेस हो गया कि ये सब शब्दों का जाल है. जब तक मेरा है तब तक शब्दों का जाल है, जब तक आपका नहीं बनता है तब तक शब्दों का जाल है. आप घूमते रहोगे वर्ड्स में बस, उससे ज्यादा और कुछ नहीं. जब तक आप अपना रिसर्च नहीं करते. ओके, आई वॉन्ट हियर कि यू मस्ट गो बियॉन्ड वर्ड्स. ठीक है, डू योर रिसर्च, दैट इज रियल स्टडी. इसलिए जब भी कोई स्टूडेंट फेल होकर मेरे पास आता है, मैं पहले ही क्वेश्चन कर, मैं पहले पूछता हूं, तूने सिर्फ बुक रीड किया, भाई तू परेशान क्यों हो रहा है, भाई रोता हुआ चेहरा, उदास, परेशान. तो मैं उसको पूछता हूँ कि यार देख, तूने जो स्टडी किया है सिर्फ बुक रीड किया है, इंस्टीट्यूट वॉन्ट गो बियॉन्ड दैट, गो बियॉन्ड दैट. मैं मानता हूँ कि आपका बिजी टाइम है, पर जब कुछ स्टूडेंट्स कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं. और मैं फिर से कह देता हूं, ये 6 महीने या 1 साल आपका जो भी टाइम हुआ, ये लाइफ का ये टाइम दे दो, जिंदगी फिनेंशियली सिक्योर्ड हो जाएगी. मैं बाकी तो नहीं कहूंगा पर फिनेंशियली सिक्योर्ड हो जाएगी एटलीस्ट. ये तो कि भाई एक तो टेंशन निकल जाएगा, मैं 50-60 हजार रुपए महीने से कम में तो नहीं आ सकता हूं. 1 साल इनिशियल स्टेज में माइट भी हो सकता है, एक्सपीरियंस के लिए कम पैकेज लो,
लेकिन एक साल बाद तो आपकी लाइफ कभी 50 से नीचे नहीं आएगी, 60 के नीचे नहीं आएगी। सीए बनने के बाद लाइफ का ये एक साल फ्यूचर के 60 साल सुधार सकता है। अगर मैं आपकी लाइफ 80 साल की पकड़ूं, ठीक है, तो मैं बस इतना ही कहूंगा, बस ये एक साल दे दो, फाइनेंशियली बहुत सिक्योर हो जाओगे। ठीक है, तो नाउ नीचे एक केस स्टडी लिया सेक्शन 29, आपको सिर्फ बताना है क्या, तो वेदर इट फॉल इन द एम्बिट ऑफ कंसिडरेशन और नॉट, कंसिडरेशन में आएगा या नहीं आएगा। रिलायंस यू ऑफर फ्री मोबाइल हैंडसेट ऑन पेमेंट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट 1500। उसने डिपॉजिट लिया, रिफंडेबल डिपॉजिट है, तो ये कंसिडरेशन में कवर नहीं होगा। नेक्स्ट, ईशा कस्टमर परचेज गोल्ड नेकलेस वेइंग 275 ग्राम्स फ्रॉम पीएन गार्डगिल ज्वेलर्स शोरूम एंड इन एक्सचेंज सेल हर ओल्ड गोल्ड आर्टिकल वेइंग 200 ग्राम्स पेस डिफरेंशियल अमाउंट इन कैश। हाँ, विद इफ यू सी फ्रॉम कस्टमर एंगल देन इट इज नॉट अ सप्लाई, बट फ्रॉम ज्वेलर्स एंगल कंसिडरेशन इज देयर, ओल्ड ज्वेलरी मनी आर अदरवाइज। ओके, नाउ आरसी क्रिकेट एसोसिएशन चेन्नई गिफ्ट अ मोटर बाइक टू राहुल एज ए इंड्यूसमेंट टू ज्वाइन क्रिकेट क्लब, फ्री दे दिया पर इंड्यूस किया, वेदर इंड्यूसमेंट इज ऑल्सो सप्लाई, यस। नेक्स्ट, हेंस इन मोस्ट ऑफ द केसेज वाउचर ऑल्सो टैक्सेबल, डू यू रिमेंबर वाउचर आइडेंटिफाइबल, मोस्ट ऑफ द टाइम वाउचर इज इंड्यूसमेंट फॉर नेक्स्ट परचेस, सो वाउचर वेयर गुड्स और सर्विसेज आर सप्लाइड। ठीक है, एक्सवाइजर लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर्स यूज एग्रीकल्चर पर्पस, स्टेट गवर्नमेंट हैज गिवन 30% सब्सिडी ऑन सेल ऑफ सच फर्टिलाइजर्स। नाउ वन पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, माइट बी यू हैव मिस्ड दैट पॉइंट ड्यूरिंग अवर रेगुलर कोर्स, बट ओनली सब्सिडी फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एक्सक्लूडेड, नॉट फ्रॉम लोकल अथॉरिटी। ओके, वन ऑफ माई क्लाइंट गॉट द सब्सिडी फ्रॉम पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, देन दैट वुड बी टैक्सेबल, ओनली सब्सिडी फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट आर एक्सक्लूडेड। ओके, नाउ नेक्स्ट, एबीसी एंड कंपनी ट्रेडिंग कंसर्न हैज सप्लाइड प्रोडक्ट एक्स टू मिस्टर वाई एट सब्सिडाइज रेट ऑफ रुपीज 30,000, ओपन मार्केट वैल्यू 45,000, सप्लायर एबीसी एंड कंपनी हैज गिवन सब्सिडी टू इट्स कंपनसेट। अच्छा, ये प्राइवेट सब्सिडी है, सो इट वुड बी ट्रीटेड एज कंसिडरेशन। आई एम नॉट गोइंग टू रीड द आंसर हियर, बट टूडे इफ टाइम अवेलेबल और टुमारो और इन दिस वीक टाइम परमिट, रीड ऑल द आंसर्स, इफ यू फाइंड एनी मिस्टेक्स आई वेलकम यू, जरूर आप बताओ, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। ओके, पर क्या है बेटा, हर 6 महीने मुझे अपडेशन करने पड़ते हैं, क्वेश्चन इधर उधर शिफ्ट होते हैं, क्वेश्चंस की लैंग्वेज बदलनी पड़ती है अमेंडमेंट के हिसाब से, तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत कहीं पे मिस्टेक अगर दिखे। ओके, तो प्लीज कोऑपरेट, इट्स नॉट लाइक अकाउंट और FM और ऑल्सो नॉट लाइक DT, इन DT ऑल्सो ईयरली चेंजेस इज देयर, पर इन माई केस मंथली चेंजेस इज देयर। ठीक है, तो आई रिक्वेस्ट यू, यूर एनी करेक्शन ऑलवेज मैं वेलकम करूंगा। ओके, नाउ विनस म्यूजिक वर्ल्ड चार्ज अ लेट फी एज अ पेनल्टी फॉर लेट रिटर्न ऑफ DVD कॉम्पैक्ट डिस्क टू इट्स कस्टमर, विल लेट फी चार्ज टू इट्स कस्टमर विल कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ कंसिडरेशन, यस इट इज टैक्सेबल, डू यू रिमेंबर टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, लेट फी पेनल्टी इंटरेस्ट इज अ कंसिडरेशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 31, विल GST बी एप्लीकेबल ऑन एनी इंटरेस्ट चार्ज फॉर पेमेंट आफ्टर क्रेडिट पीरियड। हाँ, दिस क्वेश्चन इज गुड फॉर योर फास्ट ट्रैक क्वेश्चन। ठीक है, तो सी ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन, कम ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन, इवन दो सर्विस बट एग्जाम, बट इंटरेस्ट चार्ज ऑन इंटरेस्ट फॉर डिले पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, नहीं समझा, इंटरेस्ट चार्ज ऑन इंटरेस्ट फॉर डिले पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, वेदर सेकेंड इंटरेस्ट इज चार्जेबल, यस बिकॉज सेकेंड इंटरेस्ट इज नॉट ऑन लोन, नहीं समझा,
सेकेंड इंटरेस्ट फॉर डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, इट्स चार्जेबल. ओके, तो आफ्टर क्रेडिट पीरियड इंटरेस्ट का तो नहीं लगेगा, पर डिले पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट का तो टैक्स लगेगा. नाउ डीम सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, दैट इज शेड्यूल वन. अ सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे मे आस्क वेदर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस विदाउट कंसिडरेशन इज लायबल टू टैक्स. यस, इफ क्वेश्चन इज फॉर 5 marks, यू हैव टू राइट ऑल 4 entries ऑफ 7(1)(c). हाँ, 7(1)(c) शेड्यूल 1. यहाँ 7(1)(c) चाहिए ना. नॉर्मली एज पर सेक्शन से सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन, अच्छा नहीं बराबर है, 7(1)(a) के हिसाब से सप्लाई फॉर कंसिडरेशन टैक्सेबल है, बट अंडर शेड्यूल 1, अरे है ना, देर आर सर्टन एक्टिविटीज वेयर विदाउट कंसिडरेशन, ओके, वो टैक्सेबल है. अब मैं आपको वो बताता हूँ, वो बंदे ने क्या किया था, एक और एनालिसिस बताता हूँ, जरूर करो टाइम मिले तो, टाइम निकालो, ठीक है, टाइम निकालो, बस ये 6 महीना या 1 साल. वो बंदे ने हर क्वेश्चन में लिखा था कि मैं कौन कौन से सेक्शन का रेफरेंस लूँगा, यानी क्वेश्चन नंबर अगर 32 है तो रेफरेंस सेक्शंस इन दिस क्वेश्चन, मतलब 7(1)(a), 7(1)(c), शेड्यूल 1. वो नहीं, ही गॉट 86 marks इन IDT. ओके, तो उसके आंसर शीट 85 के 86 थे. आंसर शीट मेरे पास होगा तो मैं शेयर करूँगा आपके साथ. ओके, बहुत अच्छा मेहनत किया था, मैंने उसके आंसर शीट बुलवाई थी. ओके, जस्ट एक अटेम्प्ट पहले, 1 साल पहले की बात है. ओके, मई 18 अटेम्प्ट था, पर मैं उसकी आंसर शीट आपके साथ शेयर भी करूँगा अगर मिल जाती है मेरे को तो. लेकिन सच में अगर आप मेहनत करो और ग्रुप में कोई भी 2 सब्जेक्ट अबोव 60 या 70 लेके जाओ, कोई भी 2 सब्जेक्ट्स, बस हो गया, ऐसे टारगेट करो कोई भी 2 सब्जेक्ट्स. तो नाउ उसके बाद में ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट, चलो ये भी केस कोई बड़ी बात नहीं है. VBN एसोसिएट अ कंपनी अ सीए फर्म डोनेटेड ओल्ड लैपटॉप टू चैरिटेबल स्कूल ऑन अकाउंट ऑफ रिनोवेशन ऑफ ऑफिस. अ फर्म हैड टेकन इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन द लैपटॉप सो डोनेटेड, डज इट क्वालिफाई एज अ सप्लाई. रेफरेंस 7(1)(c) शेड्यूल 1 पैरा 1, यही आएगा ना रेफरेंस तो आपका, ठीक है. उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे डीम डिस्टिंक्ट पर्सन ना, पैरा 2 पे वेदर ट्रांसफर ऑफ गुड्स टू अनादर ब्रांच लोकेटेड आउटसाइड द स्टेट इज अ टैक्सेबल. वॉट वुड बी योर आंसर ऑन टैक्सेबिलिटी ऑफ गुड्स आर ट्रांसफर टू अनादर ब्रांच ऑफ सेम स्टेट. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. वेदर ट्रांसफर ऑफ गुड्स टू अनादर ब्रांच लोकेटेड आउटसाइड द स्टेट इज टैक्सेबल, यस, यहाँ पैरा 2 लग जाएगा. तो प्रेजेंटेशन का तरीका भाई, अब पहली बात तो क्वेश्चन बहुत प्लेन लैंग्वेज में है, उन्होंने ये नहीं दिया है कि 1 रजिस्टर 2 रजिस्टर. तो मैंने आंसर कहां से स्टार्ट किया, जरूर सोचो कि मैंने ऐसा क्यों स्टार्ट किया होगा. थिंक फॉर यू नॉट फॉर मी, कि ऐसा क्यों किया होगा, क्योंकि उन्होंने 2 ब्रांच बताई. पहले मुझे ये देना बहुत जरूरी है कि भाई अगर सेम स्टेट में ब्रांच और दूसरे स्टेट में है तो सेक्शन 25 में सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है. फिर दोनों रजिस्टर्ड हो गए. फिर दूसरे पॉइंट में यह देना पड़ेगा कि दोनों रजिस्टर्ड है तो वो डीम डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे, सेक्शन 25 का फिर से रेफरेंस. और तीसरा फिर मुझे पैरा 2 ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 7(1)(c) कि अगर गुड्स कोई सप्लाई किया डीम डिस्टिंक्ट पर्सन को तो उस पर GST लगेगा, सप्लाई माना जाएगा विदाउट कंसिडरेशन. ये आपका वहां से डोर लगनी चाहिए. अगर किसी ने लिखने वाला इसको ऐसा भी लिख सकता है कि एज पर पैरा 2 गुड्स सप्लाई टू ब्रांच इन डिफरेंट से ट्रीटेड एज सप्लाई, वो आंसर और आपका आंसर जो आप वहां से खींच के ला रहे हो कि सेपरेट रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी, ट्रीटेड एज डीम डिस्टिंक्ट पर्सन एंड फिर आप पैरा 2 पे आ रहे हो, ये दो, वो वही फर्क दिख जाता है यार.
सिर्फ मैंने ये मत बोलो आप, मुझे बहुत सी बार स्टूडेंट आते, मैंने तो सब सर सही लिखा था, फिर मार्क्स क्यों नहीं आए? मुझे तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी आईडीटी में, सर मैंने तो 70 प्लस एक्सपेक्ट किया था, सर 50 में जाए। अरे भाई तुमने आंसर सही लिखा है, आपको बताया, पर लिखा कैसे ये भी आपको बताया। अगर इस पैरा को आपने दो लाइन में लिखा कि नाउ एज पर पैरा टू ट्रांसफर टू डिम डिस्टिंग पर्सन, तो देने वाला हाफ मार्क, मतलब 3 मार्क्स क्वेश्चन होगा, तो 1 एंड हाफ देगा। अब आप एग्जाम हॉल से निकले, आपको तो लग रहा है मैंने तो सही लिखा, फिर मार्क्स क्यों नहीं आए? पर किसी दूसरे ने उसको और अच्छा प्रेजेंट किया हुआ है, सेक्शन 25 से प्रेजेंट किया हुआ है। तो बेटा इस बात का जरूर ध्यान दे, ठीक है? उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, अब मैं ब्रेक देता हूं क्वेश्चन नंबर 40 पे, ठीक है? दक्ष गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड ऑन द ऑकेजन ऑफ दिवाली डिस्ट्रीब्यूट ग्रीप हैम्पर टू एम्प्लॉय वर्थ 3 लाख, डज ही क्वालिफाई एज अ सप्लायर? वुड आंसर डिफर इफ गिफ्ट 42,000 है। बताओ एक एम्प्लॉय को कितना गिफ्ट दे सकता है? 50,000। अगर उसने 3 लाख का दिया तो पूरा टैक्सेबल होगा, पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। और लेकिन अगर 50,000 के नीचे दिया इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो फिर नहीं होगा। बस आपका रोल क्या रहेगा, सेक्शन के रेफरेंसेस कौन कौन से हैं, कंक्लूजन कैसे दिया है, प्रेजेंटेशन कैसे किया है। जैसे आपको अगर मिल जाता है मेरा क्वेश्चन है, पहला काम करना एक ब्लैंक पेज डाल के उसको स्पायरल बाइंडिंग कर देना और आपका एनालिसिस, ठीक है? तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। PQR लिमिटेड पुणे डीलिंग इन ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एज वेल एज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय रोड, अच्छा, इट हैज ब्रांचेस इन स्टेट ऑफ गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब, केरला, हेड ऑफिस इन गुजरात। ये इंपॉर्टेंट है बेटा फॉर फास्ट ट्रैक, ठीक है? हेड ऑफिस गुजरात, गोवा ब्रांच सेंड द बस फॉर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस टू गुजरात वेयर ऑल रिपेयर वर्क्स इज कैरिड आउट, वेदर इट इज ट्रीटेड एज इंटरस्टेट सप्लाई। कुछ पता है आपको, कन्वेंस का एक क्लैरिफिकेशन था, वैसे कन्वेंस जाता है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा, आपकी ब्रांच को जा रहा है, पर अगर रिपेयर के लिए जा रहा है तो कन्वेंस का सप्लाई नहीं है, बट ऑन रिपेयर चार्जेस जीएसटी इज पेएबल, रिपेयर चार्जेस जीएसटी इज पेएबल। एंड थर्ड क्या, फर्दर सप्लाई के लिए। नाउ आई हैव टेकन दिस आंसर्स फ्रॉम अवर आरटीपी, सी द एक्सपेक्टेशन ऑफ अवर इंस्टीट्यूट फ्रॉम यू। First, in first para, try to identify that expectation. I am not saying you have to copy exactly as it is in your answer sheet, but try to identify their expectation, and at least you have to write one line on that in first paragraph, second paragraph, third paragraph. In first paragraph, their expectation ki you must write ki both deemed distinct person section 20. हाँ, इन फर्स्ट लाइन सेक्शन 24 कि इफ पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई देन रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अंडर क्या, जीएसटी। अब वो दोनों तो वहां से स्टार्ट किया कि इंटरस्टेट एंड हेंस जीएसटी में रजिस्ट्रेशन चाहिए, 25(4) में दोनों ब्रांचेस की रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। उसके बाद में शेड्यूल 1 में अगर आपने कोई गुड्स दिया तो वो सप्लाई माना जाता है, एंड देन सर्कुलर, देन दे टर्न टू सर्कुलर। Exactly, I have taken the answer from such, okay, RTP. I hope you understood. ठीक है, so yes, I do agree that and last conclusion, I do agree कि sometimes such lengthy answer is not possible for 4-5 marks. Okay, you can write, cannot write in exam, but I suggest at least cover those points in one line. In one line, this is your job on that blank page. Is it clear? Okay, now क्योंकि देखो यार, simple way में कहो क्या, examiner जो है, paper checker जो है, वो CA, CMA, CS ये पैनल में है, वो कोई एक्सपर्टीज आईडी के, डीडी के नहीं है।
प्लस सीए है, उनके पास पेपर चेक होने जा रहे हैं। मेरे बहुत से फ्रेंड इंस्टीट्यूट के पेपर चेकर है, जिनके जो डीटी का प्रैक्टिस करता है आईडीटी के पेपर चेक होने आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। सब पेपर तो यहाँ कोई विशाल भट्टेड या कोई दूसरी फैकल्टी उसके पास तो नहीं जाएंगे, और हमको तो आएंगे ही नहीं, क्योंकि हमको समझ जाएगा ये मेरा स्टूडेंट है, हमको तो कोई हालत में आने वाले नहीं है। इसलिए मेरी टीम जो है एग्जाम प्रेप टीम में चार लोग ऐसे जो इंस्टीट्यूट के पेपर चेकर थे एग्जाम प्रेप टीम में, हमने 12 लोगों की टीम बनाई है, सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। तो मैं बस ये चाहता हूं कि भाई विशाल भट्टर उसको सही गलत कहे, उससे ज्यादा तो वो जो लोग जिनके पास आंसर शीट जाती है इंस्टीट्यूट की, और वो सीधा सीधा आपके आंसर्स मैच करते हैं और मार्क्स देते हैं, आपको वो एंगल से सोचना है। इसलिए मैं बहुत सी बार कहता हूं कि जितनी ज्यादा इंस्टीट्यूट के मटेरियल के क्वेश्चन आंसर्स और वैसी लैंग्वेज यूज करोगे उतने ज्यादा मार्क्स आएंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूट की आंसर शीट जाने वाली है उनके पास, इंस्टीट्यूट की आंसर शीट जाने वाली है। और मेरे क्वेश्चन में मैं आपको फ्रेंकली कह देता हूं कि ICAI के आंसर्स एज इट इज लिए, मैंने उसमें थोड़ी बहुत जहां लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड वहां सिंपल किया है, और मैंने यहां लिए है, क्योंकि यही वो आंसर देखेंगे, उनके पास तो वही आंसर से जाने वाले जो सजेस्टेड है। इज इट क्लियर? तो यहां नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 37। मिस्टर राज हैज अ हेड ऑफिस इन पुणे एंड हैज ब्रांच ऑफिस इन स्टेट ऑफ गुजरात, गोवा, पंजाब। मिस्टर राज सेंड गुड्स टू ब्रांच गोवा वर्थ 2 लाख इन इट्स ओन कन्वेंस, वैल्यू ऑफ कन्वेंस 15 लाख, एंड विद द कन्वेंस सेम टूल्स एंड स्पेयर्स आर ऑल्सो सेंड 50,000। अच्छा, आपको याद आ रहा है, दो क्लैरिफिकेशन थे। कन्वेंस में जो गुड्स जाएगा उसके वो सप्लाई माना जाएगा, अरे है ना, पर कन्वेंस सप्लाई नहीं, और कन्वेंस के साथ जो टूल्स लगते हैं, रिग्स लगते हैं, वो भी सप्लाई नहीं माना जाएगा। इज इट क्लियर? तो अगर कंक्लूजन में यही कहो तो सिर्फ 2 लाख की ही वैल्यू पे GST आएगा, बाद में सर्कुलर भी आप कर सकते। अच्छा, इसमें भी आप डिसाइड करना, जैसे आंसर लिखते वक्त सुनो मेरी बात, मेरी हर बात, क्योंकि देखो मुझे सेपरेट लेक्चर नहीं लेते आते हैं। अब वो समझो मेरी मैच्योरिटी लेवल समझो कि मैं 15 साल में ऐसा मैच्योर हुआ कि मोस्ट ऑफ द मैंने प्रोफेशनलिज्म में काम किया है, काउंसलिंग कंसल्टेंसी में काम किया है, इसलिए स्पून फीडिंग मेरे को थोड़ा स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू इरिटेट होता है। तभी मैं जब एक्सप्लेन करता हूँ तभी बहुत सी बातें करता हूँ, मुझे मेरा ऐसा सेपरेट सेशन बनाना कि हाँ इसमें ये पॉइंट का ध्यान रखो, मेरे को ही नहीं समझ में आता मैं क्या बोलूँ सेपरेट। हाँ, लेकिन अभी मैं जो बोल रहा हूँ ये आपका काम है कि आप पॉइंट्स लिख लो कि मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है? तो बस मैं इतना ही कह रहा हूँ आपको कि अब देखो ये आंसर का प्रेजेंटेशन मैंने सिमिलर कंसेप्ट पे है, एक लेंदी आंसर बनाया और एक डायरेक्ट सर्कुलर लेके बनाया, एक मैंने सेक्शन 24 से बनाया जो RTP का आंसर है, 24-25 डीम डिस्टिंग पर्सन, फिर सर्कुलर पे आया, यहां पे डायरेक्ट सर्कुलर के रेफरेंसेस ले लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो सकता है कि सर सर्कुलर नंबर देना जरूरी है क्या? बिल्कुल नहीं, अपना टाइम सर्कुलर नंबर ईयर देने में वेस्ट नहीं करना, समझ में आया क्या? तो बस इतना ही कहूंगा आपको कि एज पर बोर्ड सर्कुलर, एज पर CBSE क्लैरिफिकेशन आप लिख सकते हो आंसर्स। इसमें लैंग्वेज वैसे की वैसे नहीं भी आई तो भी, आपके ओन लैंग्वेज के वर्डिंग्स भी आए तो भी चलेगा। ओके, चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आगे ब्रेक के बाद। Thank you.
38, Mr. Sagar import interior designing service for designing his office from his brother, Mr. Raj, who reside in UK from last 1 year, whether it is treated as supply under GST. अगर वो अपने ब्रदर से ले रहा है तो मुझे ये बताओ, वो अगर ब्रदर से ले रहा है तो ब्रदर मतलब रिलेटिव पर्सन हो गया, रिलेटिव पर्सन हो गया तो वो किस में कवर हो जाएगा? पैरा 4 ऑफ शेड्यूल 1। और अगर रिलेटेड पर्सन से बिजनेस के लिए ले रहा होगा तो वो सप्लाई माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद में प्रिंसिपल एंड एजेंट। नाउ मिस्टर वीर इज अ सप्लायर ऑफ गुड्स लोकेटेड इन मुंबई, हैज अपॉइंटेड मिस्टर रुद्रा टू प्रोक्योर गुड्स बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिकेशन गिवन बाय हिम, ओके। As the same kind of goods are not available in area of Mr. V, so in this behalf, Mr. Rudra buys specified goods from Mrs. XYZ Limited. And for this activity, invoice is issued in the name of principal. Whether it is to be treated as supply under GST? Would answer differ if invoice is issued in the name of agent Mr. Rudra? Case samjha ki aapko? Yahan jo agent hai, wo agent jo hai, apna bill nahi de raha hai. Wo kiska bill de raha hai? Principal ka. Isliye wo sab... प्रिंसिपल जब गुड्स देगा किसको? एजेंट को, तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। पर ये पूछा है, वुड योर आंसर डिफर इफ इनवॉइस इज इशूड इन द नेम ऑफ एजेंट्स मिस्टर रुद्रा? हाँ, तो फिर वो सप्लाई माना जाएगा। ये तो कंसेप्चुअली आपको समझ गया, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? प्रेजेंटेशन कैसे? प्रेजेंटेशन में आपका पैरा 3 शेड्यूल 1 आना चाहिए, प्रिंसिपल टू एजेंट या एजेंट टू प्रिंसिपल। फिर एक क्लैरिफिकेशन आना चाहिए कि भाई एजेंट अगर खुद का इनवॉइस देगा तो सप्लाई माना जाएगा, फॉल अंडर द शेड्यूल 3। एक काम करो, इसका आंसर नहीं आया है, आखिरी में ये दिया है, इसका आंसर नहीं आया। वुड योर आंसर डिफर इफ इनवॉइस इज इश्यू इन द नेम ऑफ क्या? एजेंट मिस्टर रुद्रा। इसका आंसर क्या आएगा? यहां लिख लो, इफ इनवॉइस इज इश्यूड, यहां लिख लो, इफ इनवॉइस इज इश्यूड बाय एजेंट मिस्टर रुद्रा इन इट्स ओन नेम then transfer of goods by principal to agent would be treated as supply. ठीक है, ये नेक्स्ट आप कर सकते हो ऑक्शनियर का। हाँ, नेक्स्ट केस स्टडी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों केस स्टडी इंपॉर्टेंट है, यानी क्वेश्चन नंबर 39 भी इंपॉर्टेंट है और डेल क्रेडिटरी एजेंट, कुछ याद है आपको डेल क्रेडिटरी एजेंट? ये नया क्लैरिफिकेशन है। ओके, तो सी अबाउट द डेल क्रेडिटरी एजेंट। Mr. Viraj is a registered dealer under GST. Every line is important, try to understand. Mr. Viraj is a registered dealer under GST, supplying taxable goods to large number of customers, either directly or through Mr. Trushar, who guarantees the payment on the behalf of buyer to the seller. Tushar is an agent who taking the guarantee. Mr. Tushar charges a commission 12%, whereas other agent charges commission 10% for similar service. Then question, why Tushar is charging more? The only difference was Mr. Tushar guarantees payment from buyers, whereas other agent does not provide any such guarantee to principal. Hence he is charging 2% more.
Goods worth rupees 5 lakhs were supplied by Mr. Viraj to Mr. Somesh, routed through Mr. Tushar, where an invoice was issued by Mr. Tushar in the name of Mr. Viraj, principal supplier. Now my first question, whether Tushar, who is a Dell credit agent, issuing their own invoice or supplier's invoice? Therefore, okay, see, Mr. Viraj, Somesh and Tushar, okay, goods are supplied by Mr. Viraj to Tushar, okay, sorry, goods are routed through kya beta? Tushar, but Tushar is giving invoice of kya? Supplier, okay, supplier, therefore, this supplier, this transfer of goods, come on, this transfer of goods not liable to GST, is it clear? Huh. And here GST, this is treated as supply, but yes, supply, whether this supply is of Tushar or Viraj? Viraj. Why Viraj? Because the invoice is in the name of Viraj. I hope you understood. Take care. Next. Tushar is going to charge commission either to supplier or to recipient. What is this commission? 12%. 12% of value. Huh, that commission is taxable. That commission is taxable. Okay, so now. The buyer, Mr. Somesh, fails to pay 5 lakhs within the prescribed time. So Mr. Tushar, who has undertaken guarantee, make a payment to Mr. Viraj on the behalf of Mr. Somesh and charge 15,000 as a kya? Interest to Somesh. The open market value of supply of goods was rupees kya beta? 5.10 lakhs. Why I have given open market value? Because, watching this lecture, you have not done valuation chapter, especially pendrive classes or virtual classes. So, in valuation chapter, there is one rule, rule 29. When any supply made through kya? Agent, principal to agent. Okay, then valuation to be done. Come on, valuation to be done. Just a minute. Do one thing, add one line here, baki logo ko add karke mil jayega. Would your answer differ? Would your answer differ? Answer differ. If Mr. Tushar, an agent, issues their own invoice. Mr. Tushar, an agent, issues their own invoice. हाँ कौन से फिफ्थ पॉइंट में नीचे हाँ ठीक है ना मैंने क्वेश्चन में डाल दिया उसको क्वेश्चन में डाल दिया कहाँ पे ये वाला अच्छा हाँ अच्छा वो नीचे आ गया प्रिंटिंग में ठीक है वो नीचे आ गया प्रिंटिंग में ऊपर चाहिए था ये गलती से आंसर यहाँ आ गया अच्छा क्वेश्चन से ऐसे बराबर है ये आंसर निकाल दो बाकी सब सही है आंसर वर्ड निकाल दो पहला वेदर मिस्टर तुषार डेल क्रेडिट एजेंट विल फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ पैरा 3 शेड्यूल 1 What is the value of, पहले बताओ,
ऑन द बेसिस ऑफ अबो केस स्टडी वेदर मिस्टर तुषार इज स्टेटेड एज एजेंट ऑफ पैरा थ्री नो वाई बिकॉज इज नॉट गिविंग हिज ओन इनवॉइस सेकेंड वॉट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई टू मिस्टर विराज अज्यूमिंग जीएसटी रेट क्या 12% वेदर कमीशन चार्ज बाय मिस्टर तुषार टू विराज एक मिनट टू हुम कमीशन इज चार्ज विराज वुड लायबल टू जीएसटी यस यस ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर वॉट एवर द हिज 12% कमीशन चार्ज टू मिस्टर क्या विराज इज लायबल टू जीएसटी बिकॉज ही जस्ट एक्टिंग एज अ एजेंट नॉट अंडर पैरा थ्री बट जस्ट एजेंट अदर देन पैरा थ्री सो इज लायबल नेक्स्ट Whether interest charged by Mr. Tushar to Mr. Somesh will form a part of value of supply of goods? Nahin. Now try to, फिर से समझ लो यहाँ पे see transaction Viraj, Tushar and Somesh. Now here goods are routed through Tushar, but invoice in the name of क्या Viraj. Therefore this would not be treated as supply. Next, he will charge the commission. Commission is kya? Taxable. Come on, commission is taxable. Here, this is the supply, but who will pay the tax? Viraj. Now, the Tushar is charged interest to Somesh, but this contract is a separate contract. Okay, does not have concern with kya? Value. It's the contract between Tushar and Somesh. So, this interest is a service. Come on, this interest is a service. Because it is a loan, but exempted. Come on, क्या हमने पढ़ा था? Exempted. Is it clear? तो ऐसे केस में, whether interest charged by Mr. Tushar to Mr. Somesh will form a part of value of supply of goods? No. And last, would your answer differ if Mr. Tushar issues the invoice in his own name for supply of goods on the behalf of क्या Mr. Viraj? तो चलो, step by step. पहले legal provision section 7. उसमें शेड्यूल वन पैरा थ्री का लीगल प्रोविजन देन सर्कुलर फॉर डेल क्रेडिट एजेंट पॉसिबल सिनारियो कवर्ड हियर ओके मतलब किस तरह से ट्रांजेक्शन हुए एंड इन दिस केस अ वैल्यू फॉर मिस्टर विराज इज 5 लाख एंड सिंपल जीएसटी कितना बेटा 12% इसमें इंटरेस्ट ऐड नहीं किया जाएगा बिकॉज दैट वाज द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन क्या तुषार एंड सोमेश ऑन प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस नाउ कमीशन इज चार्जेबल सेपरेटली 12% हाँ अबाउट इंटरेस्ट लेवी ऑन इंटरेस्ट चार्ज बाय मिस्टर तुषार टू मिस्टर सोमेश बट बाय एग्जम्पशन नोटिफिकेशन सच इंटरेस्ट इज एग्जम्प्टेड एंड नॉट इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स Because it is exempted. Now point number 5. Would your answer differ? अगर वो खुद का बिल देता है तो the supply of goods by Mr. Viraj to Mr. Tushar, where Mr. Tushar undertakes supply of goods on the behalf of Mr. Viraj, and issue his own invoice. अच्छा खुद का invoice दे रहा है तो then fall under para 3. Also rule 29 of CGST rule is applicable for valuation. Here you will find two supply. Supply between principal and agent to buyer. So you have to do two times valuation. For see, if Viraj, Tushar and Somesh, okay, and he is para 3 agent. I repeat, it is a para 3 agent. Then it is a supply. For this value, rule 29 is applicable. Okay. अगर आपका वैल्यूएशन चैप्टर नहीं हुआ होगा तो आई विल कवर रूल 29. व्हाट इज द वैल्यू ओपन मार्केट वैल्यू और 90% प्राइस चार्ज बाय एजेंट इज इट क्लियर और रूल 30-31 बट बिटवीन तुषार एंड सोमेश वेदर दीज आर प्रिंसिपल एजेंट या एजेंट एंड कस्टमर डायरेक्टली ट्रांजेक्शन वैल्यू इज एक्सेप्टेबल नहीं समझ में आया Rule 29 is applicable only between principal and agent. And now Tushar and Somesh only agent. Transaction wise includable. I hope you understood. Now, you have to do two valuation. I hope you understood. Okay. For Viraj and for Tushar. Next, Tushar can take the ITC charge, ITC of GST charged by Viraj. Are hai na?
एंड नेक्स्ट व्हाट इज द इंटरेस्ट विल चार्ज बाय तुषार टू सोमेश इट्स डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन नाउ दिस इंटरेस्ट इज नॉट लोन नहीं समझ में आया नाउ दिस इंटरेस्ट इज नॉट लोन फॉर लेट पेमेंट दिस इंटरेस्ट फॉर क्या डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन तो दैट वुड बी क्या एडेड इन द वैल्यू तो देखो अब वो क्या कह रहे हैं 29 से वैल्यूएशन होगा इसलिए पहले विराज का वैल्यूएशन करते हैं विराज टू तुषार वैल्यूएशन 5,10,000 ओपन मार्केट वैल्यू एंड जीएसटी 12% व्हाई आई हैव टेकन 5,10,000 बेटा बिकॉज दिस स्टॉक ट्रांसफर ओपन मार्केट वैल्यू इज इट क्लियर रूल 29 और यू कैन टेक 90% ऑफ फर्दर प्राइस ऑल्सो बट I have taken in this problem open market value. Detailed discussion under valuation rule 29. Is it clear? This problem is drafted by our team. You will not find anywhere. ये problem हमने डेढ़ घंटा बैठ के बनाया है पूरा. अगर ये कहीं और दिखता है तो copied. ठीक है. Now next. Second valuation Tushar to Somesh. Tushar to Somesh में क्या price होगी बेटा? आगे कितने में बेचा हुआ 1 करेक्शन कर लेना बेटा मैं करेक्टेड बुक मिल जाएगी ये प्राइस ऑफ द गुड्स 571,200 नहीं होगा ना जीएसटी का तो क्रेडिट मिल जाएगा वो बाय मिस्टेक वहाँ आ गया यहाँ 5,10,000 इज इट क्लियर 5,10,000 अच्छा अब देखो एक कैंसेप्ट बताता हूँ एजेंट आगे जब बेचेगा तो अपना कमीशन ऐड करके ही बेचेगा व्हेन एजेंट विल सप्लाई फर्दर ही विल ऐड ओनली हिज कमीशन व्हाट इज दिस कमीशन 12% अरे है ना इस नाउ दिस कमीशन 12% ऑफ व्हाट ये सब चेंज करो 12% ऑफ क्या 5 लाख कितना आ रहा है 61,200 इज इट क्लियर अच्छा नाउ नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट Now, what is the interest charge? 15,000. It would be a part of value. Why it would be a part of value? Because now this is not an interest. Now this is not an interest on loan. It is an interest on delay payment. I hope you understood. But do you remember interest always treated as inclusive of GST? Are hai na? So I have taken inclusive GST. Then value is 13,393. So total value nikal lo beta. जिस जो भी वर्चुअल कर रहे हैं उनको करेक्टेड मिल जाएगा तो कितना आ रहा है वो 584,593 ठीक है जीएसटी निकालो उसके ऊपर सेवन 70151 उसका आईटीसी मिल जाएगा 61,200 का ये सर नो तो नेट निकाल लो कितना आएगा 593,51,544 डन तो भी कम कर दिया ना मैंने जीएसटी तो 510 कर दिया ना उसको ऐड करने की जरूरत भी नहीं है यहां सिर्फ जीएसटी लेस आईटीसी तो नेक्स्ट
ये वैल्यू मत निकालो, जीएसटी प्लस लेस आईटीसी कितना बचता है, 71,000 यहाँ लिख दो नीचे, नेट जीएसटी पेबल, नेट जीएसटी पेबल कितना आ रहा है आपका, 70,151 और माइनस 61,200 कितना आ रहा है, 8951, डन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, इज इट इम्पॉर्टेंट टू डिस्ट्रीब्यूश सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, यस ऑलरेडी कवर्ड है। मिस्टर एस इज ओनर ऑफ ट्रक वैल्यूड 7 लाख, ही ट्रांसफर राइट टू ऑपरेट द ट्रक टू मिस्टर वाई फॉर कंसिडरेशन, बट ओनरशिप ऑफ ट्रक इज नॉट ट्रांसफर, डिटरमाइन इट विल बी कंसिडर एज अ सप्लाई। ये बताओ ओनरशिप नहीं दिया उसने, सिर्फ राइट्स दिए, राइट टू यूज एनी गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विस। 44 तो आप कर सकते हो, 45, मिस्टर राजू एंड मिस्टर आदित्य आर रनिंग अ पार्टनरशिप फर्म एंड हैविंग गुड्स एस एंड टी इन अ स्टॉक, मिस्टर राजू एंड मिस्टर आदित्य डिसाइड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म एंड गुड्स एस एंड टी आर टेकन ओवर बाय मिस्टर राजू, मिस्टर आदित्य रिस्पेक्टिवली, द बिजनेस इज नॉट कंटिन्यूड फर्दर, वेदर सच टेक ओवर ऑफ स्टॉक बी कंसिडर एज अ सप्लाई। पहली बात तो फर्म बंद कर दिया, मतलब क्या, डी रजिस्टर कर दिया, तो जो भी गुड्स आपका रहेगा वो सप्लाई माना जाएगा। कुछ याद आ रहा है क्या आपको, ओके सप्लाई माना जाएगा, लेकिन मैंने वो पूरा दिया तो है, लेकिन ऑथर नोट लिखी है क्या, ऑथर हैज अ डाउट, कुछ याद आया क्या, नेक्स्ट पेज पे ऑथर नोट मिल जाएगी कि ऑथर ये जो डी रजिस्ट्रेशन वाला क्लॉज है उसके ऊपर ऑथर को डाउट है। क्या डाउट है ऑथर को बेटा, ऑथर को ये डाउट है कि भाई शेड्यूल 2 का जो पैरा 4 है वो शेड्यूल 2 सप्लाई का स्कोप नहीं बताता है, इसके वजह से यहाँ पे ओके डीम सप्लाई कंसेप्ट शेड्यूल 2 में आ ही नहीं सकता है, क्योंकि एज पर सेक्शन अमेंडमेंट 71A ओके द स्कोप ऑफ शेड्यूल 2 ओनली टू क्लासीफाई एज अ गुड्स एंड सर्विसेज। बिल्कुल बिल्कुल जरूर लिखना, पर पहले नॉर्मल आंसर देके लिखना, इन एग्जाम यू कैन राइट सच नोट, ठीक है, इंस्टेड ऑफ ऑथर नोट यू कैन से स्टूडेंट नोट, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट शेड्यूल 3 एक्टिविटी नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई एमटीपी ऑफ आईसीएआई, इन्यूमरेट द एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन विच शैल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, द लिस्ट ऑफ दैट ऑल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का झगड़ा हुआ एंड ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। सो देखो अगर इफ यू सी द पैटर्न, फर्स्ट आई हैव कवर्ड एंटायर सब्जेक्टिव, देन ऑन दैट केस स्टडी, देन ऑन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, सो ओनली जस्ट रीड ये क्वेश्चन, दैट्स इनफ, ठीक है। Employer provide bus service, meal coupon, telephone at residence, give the vehicle for official and personal use, uniform shoes to employee, explain implication of GST. See, employer has given number of things to employee, might be value more than 50,000, okay, but what they say, okay, give implication of GST, if this okay supply is in the course of employment as a perquisite, then Para 1, Schedule 3 is applicable, not treated as supply, no GST is payable. But if it is not in the course of employment, then value above kya? 50,000 is kya? Taxable. So you have to write both the answers. Is it clear? Now case study. Determine whether following activity fall under the purview of supply as per section 7. Mr. Raj hire an ambulance for transport facility of deceased person for performing funeral rituals. नहीं बोला जाएगा सप्लाई, नहीं ना, ट्रांसपोर्टेशन भी कवर होता है ना, फ्यूनरल ब्यूरल क्रिमिटोरियम एंड ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट मिस्टर एस एंटर इन टू एन एग्रीमेंट फॉर सेल ऑफ लैंड टू मिस्टर आर फॉर कंसिडरेशन, सप्लाई नहीं। थर्ड एबीसी डेवलपर सोल्ड फुल्ली फर्निश बिल्डिंग टू मिस्टर सागर फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, अगेन दिस सेल इज इंटेंडेड और आफ्टर कंप्लीशन, इफ यू सी द वर्डिंग्स फुल्ली फर्निश्ड बिल्डिंग है तो आफ्टर कंप्लीशन है,
Now, there are 5 members in a JV, including operating member. In each one of the contribute 2 lakhs as a part of their share. Running factory is purchased for rupees 10 lakhs. One of the operating member use it personal machine for production to support in expansion of JV. Explain whether cash call is taxable or not. Pehli baat to, whatever your contribution as a cash call is a transaction in money. Uske upar GST nahi aayega. But most in joint venture it's happened that some member comes, okay, by we are providing services and kuch membership services dene aate hai. Okay, cash money nahi dete hai. So if you remember that clarification, ki agar aapne cash money diya, if you are given cash money, then it is stated as transaction in money. Uske upar GST nahi aayega. But if you become a part of JV just by providing kya service, then that would be kya taxable. Clarification, your job, see the arrangement, see the points. Okay, any clarification, CBSE clarification, etc. हाँ, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑन न्यू क्लैरिफिकेशन 49 इंपॉर्टेंट, इसके पहले वाला भी इंपॉर्टेंट है, वो डेल क्रेडिट एजेंट वाला किया ना आपने. नाउ नेक्स्ट 50 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. मिस्टर राज परचेस अ गुड्स फ्रॉम एक्सवाइजर लिमिटेड. गुड रिसीव्ड बाय मिस्टर राज इज नॉट एज पर स्पेसिफिकेशन गिवन बाय हिम टू मिस्टर एक्सवाइजर लिमिटेड. मिस्टर राज फाइल अ कंप्लेंट to customer dispute redressal commission. Do you remember this clarification? Customer dispute redressal commission is like a tribunal. I repeat, is like a tribunal. There is a clarification. Okay, so if it operating like a tribunal, then its fees also not subject to GST. Uske upar hai, aa sakta hai. Now import of service, so we have seen some cases on that. You can do at home. Next question number 54. Discuss the taxability of import service in RTP. See, discuss the taxability of import service. You have to write both the clauses 71B and para 4 of section, sorry, para 4 of schedule 1, because in both clauses there is a taxability of kya import of services. Composite and mixed supply, first definitions are given, you can do that. Some case studies. Determine whether following supplies amount to composite supply. Hotel provide 4 days 3 nights package wherein facility of breakfast dinner is provided along with the room accommodation. Composite supply hai, breakfast wagere naturally bundled. Okay, it's a composite supply. Toothpaste company has offered a scheme free toothbrush along with the toothpaste. No, nahin, it's on a composite. Toothpaste ke sath generally toothbrush milta hai kya? Ordinarily 19% केसेस में कि टूथपेस्ट अलग से मिलता है, अलग से रहता है ना, क्योंकि मैंने तो कभी कभी स्कीम में होगा कोई कभी कभी. ओके, तो ये नॉट नेचुरली बंडल्ड, नॉट क्वालिफाई एज अ कंपोजिट सप्लाई. लिखो आगे, इट वुड बी ट्रीटेड एज मिक्स सप्लाई. It would be treated as mixed supply. अब आप डायरेक्ट जो क्वेश्चन है, अच्छा 59 पे आ जाओ. टेनेंसी राइट, डू यू रिमेंबर टेनेंसी राइट, पगड़ी पगड़ी, दैट क्लैरिफिकेशन. मिस्टर राज द ओनर, इंपॉर्टेंट है, आ सकता ऑन अमेंडमेंट्स. मिस्टर राज द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी, ही हैज गिवन हिज प्रॉपर्टी ऑन रेंट टू मिस्टर सिमरन on monthly rent rupees 20,000. In addition, Mrs. Simran has paid rupees 5 lakhs to Mr. Raj to get a right in Mr. Raj property. Whether this 5 lakhs is chargeable under GST law? Yes. What will be your answer in case Mrs. Simran further transfer right to Mr. C for a premium and shall attract GST when stamp duty and registration charges is levied on said premium? Yes. Okay, us par bhi aayega. हाँ, ये assumption जरूरी है. क्या we assume that given property is क्या commercial property? Why?
बिकॉज रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी होगा तो उसका प्रीमियम भी एग्जम्प्ट है, बिकॉज रेंट इज एग्जम्प्ट एज वेल एज प्रीमियम इज ऑल्सो एग्जम्प्ट. डू यू रिमेंबर दैट? ओके, नाउ नेक्स्ट अनदर क्लैरिफिकेशन ऑल्सो इंपॉर्टेंट. प्रिंटिंग, बुक प्रिंटिंग, इनवॉल्व प्रिंटिंग, पैम्पलेट प्रिंटिंग, हाँ है ना, मैंने इसका भी ख्याल रखा है बेटा. एक एक क्लैरिफिकेशन पे एक एक केस स्टडी बना के दी है, मतलब आपके अमेंडमेंट्स के क्लैरिफिकेशन भी नहीं छूटने चाहिए. ठीक है, सो नाउ इफ यू दिस वॉज आस्क्ड इन मॉक टेस्ट पेपर. प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गेट्स इट्स ट्रेनिंग मटेरियल प्रिंटेड फ्रॉम प्रिंटिंग प्रेस. द कंटेंट ऑफ मटेरियल इज प्रोवाइडेड बाय ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हु ओन द यूसेज राइट ऑफ द सेम वाइल फिजिकल इनपुट्स इंक्लूडिंग पेपर यूज फॉर प्रिंटिंग बिलोंग्स टू प्रिंटर. एसर्टेन वेदर सप्लाई ऑफ ट्रेनिंग मटेरियल बाय प्रिंटिंग प्रेस कॉन्स्टिट्यूट अ सप्लाई ऑफ गुड्स ओके और सर्विसेज. तो क्या बोला जाएगा बेटा, मेन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज माइंड एंड ही परचेसिंग फिजिकल इनपुट्स. सो वॉट हैपन, इट इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस? सो इट वुड बी ट्रीटेड एज क्या, सप्लाई ऑफ सर्विस, बिकॉज सर्विस कॉन्स्टिट्यूट अ प्रिंसिपल सप्लाई, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस मारा जाएगा. नाउ टर्न टू आरटीपी क्वेश्चंस एंड मॉक टेस्ट पेपर क्वेश्चंस ऑफ आईसीएआई. आई नीड योर अटेंशन. सी द आरटीपी क्वेश्चंस. आर यू रेडी? हाँ ना, अभी तक वो जस्ट वार्म अप चल रहा था. ओके, ये वार्म अप होने के बाद अब आरटीपी के क्वेश्चन, एग्जाम के क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस देखेंगे. चलो, पावर इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड अ रजिस्टर्ड सप्लायर इज एंगेज इन प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट मेंटेनेंस रिपेयर सर्विस फॉर लार्ज पावर प्लांट दैट आर इन द नेचर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. ठीक है, सिचुएटेड ऑल ओवर इंडिया. यहां तक कितना क्या समझा? हाँ, एक तो ये कौन सी सर्विस दे रहे हैं, मेंटेनेंस एंड रिपेयर सर्विस, और पावर प्लांट पे दे रहे हैं जो इमोबल प्रॉपर्टी है. कंपनी हैज इट हेड ऑफिस एट बैंगलोर कर्नाटका, ब्रांच ऑफिस इन अदर स्टेट. साइड में रफ में अगर बुक होगी तो बनाओ, एक मिनट, या फिर दिमाग में याद तो भी रखो. हेड ऑफिस कहां पे है? बैंगलोर. अब आपको एक बात और बताता हूं, जब आप एग्जाम के पहले दिन ये पढ़ने जाओगे तो पहले दिमाग में बहुत प्रेशर होता है, और इतना बड़ा कंटेंट पढ़ने जाओगे और कुछ लिंक नहीं हो रहा है तो टेंशन आ जाता है. यानी आपने पढ़ा हुआ है एक डेढ़ महीने पहले, पर एग्जाम के पहले ही नहीं पढ़ पा रहे हो, टेंशन आ जाता है. इसलिए वो बंदे का जिसने एक पेज ब्लैंक डाला था ना, वो ऐसी बड़ी बड़ी केस स्टडी को डायग्राम बना के रख देता था, यानी एग्जाम के पहले दिन वो फटाफट समझ जाए ये क्या था. नहीं समझा आप जाने तो, मुझे समझ में आया. ओके, तो समझ लिया करो, हाँ बोला करो. तो ये बहुत चीजें काम की है बेटा, आपके पूरे एफर्ट्स जो होने चाहिए वो एग्जाम के पहले दिन वाले और लास्ट मंथ वाले एफर्ट्स होने चाहिए, कि कितना इजी. तो कैसा हो जाता बेटा, देखो मैं अगर ये पढ़ने में आपका अगर 45 मिनट चले गए, जिसको आप जब पहली बार पढ़े वही डायग्राम में ले लेते और सिंपल वर्ड्स में ले लेते हैं, तो इसको मुश्किल से 5 से 6 मिनट्स लगता है किसी. अब टाइम पे आपके 45 मिनट्स गए, मतलब आपने अदर सब्जेक्ट के 40 मिनट्स आपने वेस्ट कर दिए. ये 40 मिनट्स आप अदर सब्जेक्ट के लिए यूज कर सकते हो. फिर आपकी साइकोलॉजी क्या होती है, जितना समझ रहा है समझ रहा है, आंसर हाँ 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 हाँ. चलो आगे बढ़ो. यानी फिर जो आपने पिछले 6 महीने में 1 साल में एफर्ट्स किए, क्या ऐसे हूं हूं करने के लिए किए, कुछ मेन पॉइंट छोड़ने के लिए किए? अगर आप अभी एफर्ट्स कर रहे हो तो उसको इतना अच्छा डिजाइन करके रख दो यार कि वो काम आ जाए आपको बाद में. ठीक है, तो थोड़ा टाइम लगेगा आपकी अभी ये साइकोलॉजी रहेगी, अरे यार ये सब बनाने में ना मेरा आईडीटी में, फिर मेरा वो सब्जेक्ट बाकी है. पर ख्याल रखना, अगर आपने यहां भी टाइम दिया तो आपने वो टाइम बचा लिया जो सेकेंड डिवीजन का है. चलो मैं कहता हूं चार्ट्स टाइम मिले तो करो, पर एटलीस्ट इस पे तो भी एनालिसिस कर लेना.
ठीक है। तो अब यहां देखो, कंपनी हैज हेड ऑफिस एट बैंगलोर कर्नाटका, ब्रांच ऑफिस इन अदर स्टेट। द वर्क इज डन इन द फॉलोइंग मैनर। कंपनी हैज सेल्फ कंटेन्ड मोबाइल वर्कशॉप विच वॉज कंटेन्ड ट्रक फिटेड आउट फॉर कैरी आउट द रिपेयर्स। मतलब एक ट्रक था, ट्रक एक इट्सेल्फ मोबाइल शॉप था, मोबाइल वर्कशॉप था, मोबाइल शॉप नहीं क्या, मोबाइल वर्कशॉप था। मतलब मोबाइल वर्कशॉप था मतलब ट्रक में सब इक्विपमेंट्स लगे हुए थे और इनका मेन बिजनेस था रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। इनका ट्रक जो है साइट पे रिपेयर्स करने जाता था, ठीक है। उसके बाद में ट्रक आर इक्विप विद द आइटम्स लाइक रिपेयर एंड इक्विपमेंट्स कंज्यूमेबल टूल पार्ट्स एक्सेट्रा टू हैंडल वाइड वेराइटी ऑफ रिपेयर वर्क्स। अच्छा मैं तो आपको एक बात और बता दूं, ठीक है, आप इसकी मैं ई फाइल नहीं दूंगा पर आप फोटो वगैरह लेके इसकी पीडीएफ बना के वहाँ आपका, पर ये टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। और कुछ स्टूडेंट ये भी कहते हैं कि अपना साउंड अटैच कर देते हैं पीडीएफ के, वहाँ पे वो कुछ पीडीएफ के ऐप मिलते हैं वहाँ साउंड अटैच कर देते हैं, तो कल जब जब पढ़ेंगे तो वो साउंड ऑन कर दिया कि अपने आप को ही समझा दो कि क्या 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 पॉइंट्स थे, तो फटाफट फटाफट हो जाता है। नहीं समझा जाने दो। हाँ तो नाउ ओके, जो ट्रक है आप लिखो ज्यादा बेटर। जो ट्रक है इट्सेल्फ मोबाइल वर्कशॉप है, रिपेयर सर्विस के लिए जा रहा है। ट्रक आर इक्विप विद द आइटम्स लाइक रिपेयर इक्विपमेंट कंज्यूमर टूल पार्ट्स एक्सेट्रा। ट्रक इज सेंड टू द क्लाइंट लोकेशन फॉर कैरिंग आउट देयर रिपेयर वर्क। अच्छा, डिपेंडिंग अपॉन द रिपेयर्स टू बी डन द इक्विपमेंट कंज्यूमेबल टूल पार्ट्स एक्सेट्रा आर यूज फ्रॉम स्टॉक ऑफ सच आइटम्स कैरिड आउट इन अ क्या ट्रक। In some cases, standalone machine is also sent to the client premises in such truck for carrying out the repair work. कभी कभी machine भी attach होती है truck के साथ। Customer is billed after the completion of repair work, depending after the completion of work, depending upon the nature of work, an actual quantity of consumable parts etc. is used. ठीक है, उसके बाद में next. Sometime truck is sent to the company's own location in other state. कभी कभी ट्रक अपने ही लोकेशन पे भेजा जा रहा है। कुछ याद आ रहा है, बहुत सारी चीजें एक साथ है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट भी है, क्लाइंट का साइट पे वर्क भी है, तो अपने लोकेशन को भी ट्रक जा रहा है, ट्रक के साथ टूल्स भी जा रहे हैं, स्टॉक भी जा रहा है, आया ना, बहुत सारी चीजें एक साथ है। वर्क आउट द जीएसटी लाइबिलिटी सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी एज द केस में बी ऑफ पावर इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड बैंगलोर ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एज डिस्क्राइब रेडी विद द फॉलोइंग डेटा। ट्रक सेंड टू ओन लोकेशन इन तमिलनाडु, अपने ही लोकेशन को ट्रक भेजा इन अदर स्टेट। वैल्यू ऑफ आइटम कंटेन इन ट्रक 3 लाख। एक मिनट, अपने ही लोकेशन को ओके आइटम्स जा रहे हैं ट्रक के, कंटेन इन ट्रक अपने ही लोकेशन पे। अच्छा ये यहां टूल्स वगैरह नहीं बोला, यहां क्या बोला है, सिर्फ आइटम्स, मतलब नॉर्मल स्टॉक जा रहा है। अरे आया ना, तो अपने ही लोकेशन को नॉर्मल स्टॉक जा रहा है, तो इस पेज पर जीएसटी आ जाएगा पैरा 2, लेकिन ट्रक के इसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। कौन सा क्लैरिफिकेशन जो दिया है, यस और नो। नेक्स्ट, ट्रक सेंड टू क्लाइंट लोकेशन इन तमिलनाडु, अच्छा, फॉर कैरिंग आउट रिपेयर्स। हमारा बंदा कहां रहता है, हेड ऑफिस कहाँ है हमारे बंदे का, बैंगलोर। कहाँ पे आता है, कौन से स्टेट में आता है, कर्नाटका। ये कहाँ भेज रहा है, तमिलनाडु, फॉर कैरिंग आउट रिपेयर्स। स्टैंड अलोन मशीन इज ऑल्सो सेंड टू ट्रक टू क्लाइंट लोकेशन फॉर रिपेयर्स, उसके साथ मशीन भी अटैच करके भेजी। लेकिन बताइए हमारी ब्रांच में जा रही, वो क्लैरिफिकेशन क्या था बताया क्या, जब आपकी ब्रांच में जाता है ये हमारे ब्रांच पे जा रहा है या साइट लोकेशन पे जा रहा है, साइट लोकेशन पे जा रहा है। Value of item contained in truck, value of standalone machine and value of truck, billing of repairs to be done afterward depending upon the actual item. मुझे ये आपसे जानना है, देखना चाहता हूँ कितनी मैच्योरिटी बढ़ी। जब मैं, पहली बात तो ये बताओ, मैं यहाँ पे किसी को सेल कर रहा हूँ गुड्स वगैरह या अपने वर्क के लिए लेके जा रहा हूँ, क्लाइंट साइड पे वर्क के लिए लेके जा रहा हूँ। तो अब ओके, सेक्शन 31 के हिसाब से, कम ऑन ध्यान से सुनना, सेक्शन 31 के हिसाब से आपको टैक्स इनवॉइस बनाने पड़ते हैं और टैक्स लगाना पड़ता है गुड्स का, ओके, इफ यू रिमूविंग फॉर सप्लाई। मेरा सवाल यह है कि मेरे अभी प्रीमाइस से गुड्स भी निकल रहे हैं, मेरे प्रीमाइस से मशीन भी निकल रही है और मेरे प्रीमाइस से ट्रक भी निकल रहा है,
ये रिमोल हो रहा है, कम ऑन, क्या रिमोल हो रहा है? तो क्या ये रिमोल फॉर सप्लाई बोल के इस पे जीएसटी का इनवॉइस बनाओ या नहीं? ये बताओ, ये रिमोल सप्लाई के लिए हो रहा है, मतलब अभी सप्लाई माना जा रहा है, या ये सर्विस के लिए जा रहा है? नहीं समझा आप? ये वक्त जब रिमोल हो रहा है तब सप्लाई है, कि सर्विस जब कंप्लीट होगी तब सप्लाई है? सर्विस जब कंप्लीट हो, तो जब रिमो हो रहे तब सप्लाई नहीं है, तो ये किसी पे जीएसटी नहीं आएगा, ये रूल 55 चालान में जाएंगे। नहीं समझा आप? ये रूल 55 चालान में जाए, क्यों? क्योंकि जब मैं तीनों आइटम्स रिमो कर रहा हूं, तो देर इज नो सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज ऑफ दिस गुड्स फॉर कंसिडरेशन। ऑल्सो अंडर 7(1)(c) शेड्यूल 1, आई एम नॉट सप्लाइंग टू माई ब्रांच। इन फर्स्ट केस आई एम सप्लाइंग टू माई ब्रांच गुड्स, hence it catch under the supply. अरे आया ना, okay, it catch under क्या? Supply. But in second case, देखो supply बोलने के लिए एक चीज समझ लो, अभी supply बोलने के लिए जब आप remove कर रहे goods को, तभी consideration होना चाहिए goods का, 7(1)(a) में, ठीक है? या फिर अगर फिर पैरा वन, सॉरी शेड्यूल वन में, तो पहला वाला क्या हो गया? पहला वाला मेरे ब्रांच को जा रहा है, इसलिए वो सप्लाई हो गया। सेकंड केस में मेरे ब्रांच को नहीं जा रहा है, इंटरेस्टेड हो रहा है, पर मैं सर्विस के लिए दे रहा हूं। अगर मैं यहां सर्विस के लिए दे रहा हूं, कम ऑन, अगर मैं यहां सर्विस के लिए दे रहा हूं, तो ये सप्लाई नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सप्लाई तो तब कंप्लीट होगा जब सर्विस कंप्लीट होगी। ओके, तो रूल 55 चालान में जाएगा। थर्ड, ट्रंक सेंट टू क्लाइंट इन कर्नाटका, अच्छा ये कर्नाटका में ही जा रहा है, फॉर कैरिंग आउट रिपेयर्स, वैल्यू ऑफ आइटम कंटेन इन ट्रक 1,06,000, वैल्यू ऑफ ट्रक 2 लैक्स, 20 लैक्स। तो अब इसका क्या होगा बेटा? ये भी क्लाइंट के लिए भेजा है। ओके, उसके बाद में इनवॉइस रेस फॉर रिपेयर वर्क कैरिड आउट इन तमिलनाडु, ठीक है, हाँ तमिलनाडु का बिल बन गया, कितने लाख का बना? 70 लाख। ये तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का बिल है, तो इसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा। और इनवॉइस रेस रिपेयर वर्क कर्नाटका, ये भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का बिल है, इसके ऊपर भी जीएसटी आ जाएगा। ऑल गिवन अमाउंट आर एक्सक्लूसिव ऑफ क्या? जीएसटी। थैंक यू। अज्यूम द रेट ऑफ टैक्सेस एज अंडर, रेट्स आपको दिए, अलग अलग रेट्स। अगर रिपेयर होगा जो आपका मेन बिजनेस है, तो उसके रेट है। कंटेनर ट्रक स्टैंड अलोन मशीन का रेट दिया है, और मुझे कंटेनर ट्रक पे कहीं पे टैक्स तो आया ही नहीं, तो ये रेट कोई कम का नहीं है। और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक मिनट, पहला एटम का रेट है और दूसरा क्या? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। अब देखते हैं क्या क्या कहां कहां टैक्स आया। पहले केस में अगर आप ये देखना चाहो तो एक मिनट, ए एक्टिविटी में तो सिर्फ 3 लैक्स भी आएगा ना, 3 लैक्स, और आइटम का रेट क्या है? 12% है ना, आइटम के रेट्स क्या है? 12%, तो 12% से टैक्स निकालो, बराबर है, आया ना। उसके बाद में सेकंड इसमें तो कहीं नहीं आएगा, सी में भी नहीं आएगा, डायरेक्ट 70 लाख पे आएगा, तो वहां पहला 70 लाख का आईजीएसटी ट्रांजैक्शन है, तो आई और सेकंड सीजीएसटी एसजीएसटी ट्रांजैक्शन है, निकालो कितना आ रहा है, बराबर है क्या, चेक कर लो, निकालना क्या है आपको, यस और नो? अब इसकी नोट्स देखो बेटा, अब नोट्स बहुत लेंदी है, सच में बहुत लेंदी है, आपके लिए होमवर्क, इसको थोड़ा समराइज कर लो। मैंने एज इट इज जो आरटीपी में दी वो ली, वो इसलिए ली कि मैंने ये बताना चाहा कि आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है, कहां तक एक्सपेक्टेशन है। मतलब अगर आप नोट देखोगे तो पहले 25 से स्टार्ट किया है, डीम डिस्टिंग पर्सन से, उसके बाद में नेक्स्ट 25(4) में रीड विद शेड्यूल 1 सप्लाई माना जाएगा। ओके, पर उसमें भी सर्कुलर भी दिया कि ट्रक भेजा तो सप्लाई नहीं माना जाएगा। उसके साथ उसके बाद में उन्होंने मशीन वगैरह दिया तो वो भी सप्लाई नहीं माना जाएगा डीम डिस्टिंग पर्सन को। फिर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन भी दे दी, अब इतना जरूरी नहीं है, आपको इसको समराइज करना पड़ेगा। उसके बाद में
ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, ये कंपोजिट सप्लाई क्लासिफाइबल एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, उसको सर्विस के रेट लगेंगे। ठीक है, यहां पे थोड़ा ये देख ले, चल एक क्वेश्चन लेता हूं फिर रुकते हैं। ये सॉरी, ये तो इजी है। अग्रवाल कैरियर इन द इज अ जीटीए एंगेज इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड। एज पर जनरल बिजनेस प्रैक्टिस अग्रवाल कैरियर ऑल्सो प्रोवाइड इंटरमीडिएट एंड एंसिलरी सर्विस लाइक लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग अनपैकिंग ट्रांसशिपमेंट टेम्पररी वेयर हाउसिंग इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड विद रेफरेंस टू प्रोविजन ऑफ जीएसटी लॉ एनालाइज वेदर सर सर्विसेज आर टू बी ट्रीटेड एज जीटीए सर्विस बीइंग अ कंपोजिट सप्लाई एंड सेपरेट सप्लाईज। मतलब क्या, ट्रांसपोर्टर है, ट्रांसपोर्टर अपने साथ बहुत सी बार लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग ये साथ में देता है कंपोजिट करके, तो क्या ये कंपोजिट सप्लाई माना जाएगा क्या? ओके, तो यस बेटा, यहां पे जनरली ट्रांसपोर्टर ये सर्विसेज साथ में देता है, कंपोजिट करके देता है, तो वो कंपोजिट सप्लाई माना जाएगा। तो इसमें देखो स्टार्ट कैसे किया है कि सेक्शन 230, कम ऑन, सेक्शन 230 जो लिया है कंपोजिट सप्लाई का डेफिनेशन, उसके बाद में जीटीए एंसिलरी सर्विस देता है, इन व्यू ऑफ इंटरमीडिएट एंसिलरी सर्विस प्रोवाइडर रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन गुड्स ऑफ रोड एंड चार्जेस इफ एनी फॉर सर्विस आर इंक्लूडेड इन द इनवॉइस इन बाय जीटीए सर सर्विस वुड बी अ पार्ट ऑफ जीटीए सर्विस बीइंग अ कंपोजिट सप्लाई एंड वुड नॉट बी ट्रीटेड एज क्या, सेपरेट सप्लाई। ओके, वो कंपोजिट ही माना जाएगा। ये तो सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, मॉडेस्ट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन दिल्ली डीलिंग इन सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ट्रांसफर सम ऑफ इट्स स्टॉक टू इट्स अनदर यूनिट लोकेटेड इन हरियाणा वेदर से सप्लाई इज अ टैक्सेबल अंडर जीएसटी। सिंपल तो है, अपने यूनिट को भेजा ना दूसरे स्टेट के, इंटरस्टेट सप्लाई है ना, और अपने यूनिट का है तो सप्लाई बोला जाएगा ना। ये आरटीपी में क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, साहब सेल्स एंड एयर कंडीशनर डीलर इन जनकपुरी दिल्ली नीड फोर एयर कंडीशनर फॉर हिज न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस इन सफदरगंज सफदरजंग एनक्लेव, देयरफॉर ही ट्रांसफर फोर एयर कंडीशनर ऑन विच आईटीसी हैज बीन ऑलरेडी टेकन फ्रॉम इट्स स्टॉक फॉर द सेड पर्पज एग्जामिन वेदर द सेड एक्टिविटी अमाउंट टू सप्लाई। बताओ, उसने परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट फॉर ओन पर्सनल पर्पज, तो क्या आईटीसी जो लिया है तो क्या वो सप्लाई माना जाएगा? यस। फर्दर, जनकपुरी रेसिडेंट आकाश अप्रोच साहब सेल्स, ही सोल्ड एयर कंडीशनर टू साहब सेल्स क्या फॉर 5000। आकाश हैज बॉट द सेड एयर कंडीशनर 6 months बिफोर फॉर हिज रेसिडेंस, डस सेल द एयर कंडीशनर बाय आकाश टू साहब सेल्स अमाउंट टू सप्लाई। बताओ, अपने पर्सनल एसी उसने साहब सेल इसको बेचा, तो पर्सनल एसी बेचा तो क्या वो सप्लाई माना जाएगा? नहीं, नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। देखो, मैंने आईपीसी के भी आरटीपी को नहीं छोड़ा है, इंटर ये भी कवर कर लिया क्वेश्चन एयर में। ठीक है, इसके आगे का हम बाद में लेते हैं। फिर से मैं कह दूं बेटा, लास्ट में ये जो भी क्वेश्चन एयर आपको दिए जा रहे हैं, ये मेरे तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री डिस्कशन है। जितना भी डिस्कशन करना था हमने रेगुलर सेशन में किया है, इसलिए जो लोगों ने सिर्फ मेरी क्वेश्चनेयर बुक ली है वो एडिशनल प्रैक्टिस के लिए और वीडियो लेक्चर में कॉम्प्लीमेंट्री देता हूँ। इसलिए थोड़ा यहाँ समझिएगा बेटा कि जितने लेक्चर्स आपके डिस्कशन को आपको आएंगे
उतना लेक्चर से करो, जो लेक्चर्स नहीं आएंगे वो आप सेल भी कर सकते हो, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं मैक्सिमम लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर सकूं और मैक्सिमम क्वेश्चन का डिस्कशन यहाँ कर सकूं, ठीक है। और चार्ट रिवीजन भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री होगी, ओके। इसलिए मैं ये कहूँगा कि क्वेश्चन या डिस्कशन चार्ट रिवीजन ये आपके राइट्स ना समझे, ये मेरे तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री है आपको कि डिस्कशन आप अपना पढ़ना चालू रखें। थैंक यू। हाँ, और दूसरी एक बात और कह दो कि ये जो क्वेश्चन है ऐसे मैं फेस फेस में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो कभी शर्ट बदल जाएगा, कभी ड्रेस कोड बदल जाएगा, तो मुझे व्हाट्सअप ना करें। और तीसरी बात देखो बेटा, अभी जैसे मैंने चार्ट रिवीजन प्रोवाइड की लास्ट सेशन में, तो ये जब फेस फेस में रिकॉर्ड होता है तो जहाँ जो डिस्कशन में अमेंडमेंट नहीं है मैं पुराना पैच यूज़ कर लेता हूँ, पुराना पैच यूज़ कर लेता हूँ, एटलीस्ट क्वेश्चन और चार्ट में। मैं रेगुलर सेशन की बात ही नहीं कर रहा हूँ, तो बेटा पुराना पैच कहीं पे यूज़ कर लिया, क्योंकि ये फेस फेस में रिकॉर्ड होता है, तो पुराना पैच कहीं यूज़ कर लिया तो प्लीज़ उसके लिए व्हाट्सअप ना करो कि भाई पुराना पैच, बेटा एक्सप्लेनेशन तो एक ही है और उसमें कोई अमेंडमेंट्स नहीं है, तो आप थोड़ा मैच्योरिटी से काम लो, ठीक है। पर मेरे तरफ से यही एश्योरेंस देता हूँ कि आपको सभी अमेंडेड मटेरियल ही प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है।